Bismillahirrahmanirrahim. My dear viewers, Assalamu alaikum. I'm here with the chapter From Mother with Love by Zoa Sherburn. It is for grade 11 students from their new course of English. Once you watch the video, please press like button. You can comment on the videos, whatever are your views. Comment kar dijiye, share kar dijiye. Agar aapne subscribe nahi kiya hua, to kindly isko subscribe bhi kar dijiye. I'll be grateful. Coming to the explanation of the chapter now. Beta, thoda main aapko Urdu mein, on the demand of the students that I should tell a simple story in Urdu first of all. इस ये एक सिंपल स्टोरी है जिसमें तीन कैरेक्टर्स हैं, मदर, फादर एंड डॉटर. फादर इज जॉन हॉली, मदर इज मैरी हॉली एंड डॉटर इज मिंटा हॉली. स्टोरी ये है कि जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो मिंटा ये कहती है कि मुझे वो दिन याद है, ख़ास तौर पे मुझे अपने फादर का चेहरा याद है जिस टाइम मुझे उन्होंने कुछ बताया. अब शुरू में ही वो रीडर्स के माइंड में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है कि ऐसा क्या था कि जो मिंटा के फादर ने उसको बताया. फिर स्टोरी नॉर्मल अंदाज से शुरू होती है कि एक दिन ज़ोआ के फादर मिंटा के फादर उसको कहते हैं कि वो उनके साथ साहिल समंदर पे जाए और कुछ सी फूड वहाँ से कलेक्ट करके लाएं. वो अपनी वाइफ से भी कहता है, मैरी हॉली से भी कहता है कि वो भी साहिल समंदर पे जाए. वो इनकार कर देती है कि वो अपने घर में रिलैक्स एप्पल खाएगी और टेलीविज़न देखेगी. मिंटा रेडी हो जाती है, शी इज़ अ वेरी चेयरफुल सॉर्ट ऑफ गर्ल. वो अपने फादर के साथ जाने के लिए रेडी है और वो चाहती है कि वो सैली जो उसकी फ्रेंड है उसको भी ले जाए, लेकिन उसके फादर इनकार कर देते हैं कि इस दफ़ा वो अकेली जाएगी. दोनों फादर और डॉटर जाते हैं और मिंटा ये फील करती है कि फादर का फेस थोड़ा ग्रिम है, सीरियस है, जो कि अनयूजुअल सा था. अदरवाइज उसके फादर बहुत जॉली और बहुत गपशप लगाने वाले थे, लेकिन उस दिन वो अनयूजुअली बहुत उनका फेस ग्रिम था. जब वो साहिल समंदर पे पहुँचे तो वो फादर ने मिंटा को पकड़ के एक साइट पे ले गए, लोगों क्राउड से थोड़ा दूर. क्राउड जो थे वो डिगिंग में बिजी थे साहिल समंदर पे सी फूड के लिए, जबकि उसके फादर लेके उसको साइट पे चले गए और उसको बताया कि वो इस साल भी अपने हॉस्टल नहीं जा सकती और ये टर्म भी कॉलेज में ज्वाइन नहीं कर सकती. तो वो बहुत हैरान होती है, वो पूछती है कि ऐसा क्या है. तो उसके फादर बताते हैं कि उसकी जो मदर है मैरी हॉली, वो सीरियसली बीमार है. बट शी इंसिस्ट्स, वो कहती है कि नहीं, वो तो उन्हें बस सिर्फ हेडेक होता है, वो भी कभी कभार उनके सर में दर्द होता है, अदरवाइज शी इज़ ओके. तो लेकिन उसके फादर कहते हैं कि नहीं, डॉक्टर ने बताया कि शी हैज़ ओनली फ्यू डेज टू लिव. अब उनके पास थोड़े से दिन हैं ज़िंदा रहने के लिए, इसलिए अब वो इस दफ़ा भी हॉस्टल नहीं जाएगी क्योंकि उसे अपने फादर की केयर की भी ज़रूरत है और कुछ दिन मदर के साथ स्पेंड करने की ज़रूरत है. इस बात पे वो बहुत शॉक्ड होती है. वो एक जो चेयरफुल गर्ल थी, जो केयर फ्री लाइफ गुजारती थी, अब वो बहुत संजीदा हो चुकी है. और फादर ने मना किया है कि मदर से इस बारे में कोई बात ना की जाए, डॉक्टर ने मना किया कि उन्हें ना बताया जाए. अब मैं मिंटा अपने आप को बहुत कंपोस्ट करती है, अपने आप को बहुत ब्रेव बनाती है कि वो कैसे अपनी मदर के साथ ये दिन गुजारेगी, जब अंदर से वो जानती है कि उसकी मदर के थोड़े से दिन हैं और वो जल्दी मर जाएगी. एनी हाउ, लेकिन वो इस तमाम दौरान अपनी मदर को ऑब्ज़र्व करती है. हिज़ मदर इज़ अ वेरी सॉर्ट ऑफ वेरी चीयरफुल पर्सन. वो बहुत हैप्पीली इधर उधर घर के काम करती है उसकी मदर. बच्चों, मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करके, जो कोर्ट यार्ड है बाहर जो सहन था उसमें सारे जो पत्ते खुश्क पत्ते थे उनको इकट्ठा करती थी, उनको आग लगाती थी और फिर बच्चे भी सारे मोहल्ले के बच्चे इकट्ठे होते थे और खुश होते थे. उनके उनकी कंपनी को बहुत इन्जॉय करती थी. हर चीज़ को वो स्पिक एंड स्पैन घर में रखती थी, हर चीज़ का ख्याल रखती थी, उसके फादर का, मिंटा का ख्याल रखती थी. तो समटाइम्स मिंटा, एक दफ़ा तो मिंटा रात को रो पड़ी
उससे कंट्रोल ना हुआ और वो इस तरह से रो रही थी कि अचानक उसकी मदर आ गई और उसकी मदर ने कहा कि आपने कोई डरावना ख्वाब देखा है। जबकि मिंटा जो थी वो अपनी मदर के इस दुख में रो रही थी कि वो अब कुछ दिन बाद नहीं होंगी। और उसने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि उसकी मदर बहुत नौजवान, बहुत यंग दिखाई देती हैं, क्योंकि वो खुश रहती थी, अपने काम करती थी। उसने कभी अपने दुख को कभी इस बात को नहीं कि वो उसे पता ही नहीं था कि वो बीमार भी है। और वो बहुत यंग और प्रिटी मिंटा की तरह अक्सर वो बहुत यंग लगती थी अपनी बेटी की तरह। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि जब एम्बुलेंस आ गई और उसको ले जाया गया हॉस्पिटल, तो मिंटा हॉस्पिटल बेड में उनके उसके साथ बैठी थी। जब उसने मिंटा का हाथ पकड़ के, उस वक्त भी जब वो मरने वाली थी, तो उसने कहा कि अपने फादर का बहुत ख्याल रखना है, वो विटामिंस की जो गोलियां हैं, पिल्स हैं, वो खाना भूल जाते हैं, वो केयर फ्री से हैं। तो मिंटा को ये जिम्मेदारी सौंपती है कि वो अपने फादर ये याद रखे कि उसके फादर ने विटामिंस पिल्स ज़रूर ली हैं। और फिर उसकी मदर की डेथ हो गई, उसके बाद से मिंटा की लाइफ चेंज हो गई है, वो बहुत संजीदा हो गई है। शी इज़ नॉट हैप्पी, घर का माहौल भी बहुत ही अनलाइवली हो गया है, उसके फादर भी हर वक्त उदास रहते हैं। और एक दफ़ा और फिर मिंटा कॉलेज भी गई, जब कॉलेज से वापस आई तो उसका दिल ना लगा, उसे घर बहुत खाली खाली नज़र आया। फिर वो अपने रूम में चली गई, उसके फादर भी बस अपने लिविंग रूम में बैठ के अपनी बुक पढ़ रहे थे। वो उसके और उसके फादर के दरमियान बहुत डिस्टेंस आ चुका था, दोनों अपनी अपनी जगह उदास थे। जब वो अपने रूम में थी तो उसके फादर ने कहा कि वो अपनी मदर के रूम का विज़िट करे, उनकी चीज़ों को देखे, जस्ट गो थ्रू हर थिंग्स, हर पोजेशंस। और फिर क्योंकि वो चर्च बाज़ार ले जाई जा रही हैं उनकी चीज़ें उन लोगों को देने के लिए जो ज़रूरतमंद हों, तो वो एक दफ़ा अपनी मदर की चीज़ों को देख ले जाके। शी गोज़ टू हर मदर रूम, शी वॉन्ट्स टू बी अलोन इन हर रूम। वो दरवाज़ा बंद कर देती है और अपनी मदर की चीज़ें, और शी वॉज सरप्राइज टू सी हर चीज़ बहुत अपनी जगह पे नीटली अरेंज्ड है। उसकी स्टॉकिंग्स, उसके कोट्स, उसके कपड़े, वट एवर वॉज देयर, इट वॉज नीटली अरेंज्ड एंड पुट इन द क्लोजेट्स एंड ड्रॉर्स। हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे सेट रखी हुई है। फिर एक दो बड़े लगेजेस वो देखती है, उसको नज़र आते हैं, जब वो बहुत हैवी होते हैं, जब वो उनको खोलती है तो शी वाज सरप्राइज टू सी कि उसके अंदर बहुत सारे गिफ्ट पैक्स हैं। और उन हर गिफ्ट पैक के ऊपर एक टैग है, नेम टैग्स हैं जो उसकी मदर की अपनी खूबसूरत हैंड राइटिंग में लिखे हुए हैं। दीज वर एक्चुअली द प्रेजेंट्स, ये वो गिफ्ट थे जो कि क्रिसमस के लिए उसकी मदर ने पहले से पैक करके उनके ऊपर नेम्स लिख के जो अपने डियर वंस को उसने गिफ्ट देने थे, सबके ऊपर टैग्स लगा के अपनी हैंड राइटिंग में नेम्स लिख के, फ्रॉम मैरी टू दिस, फ्रॉम मैरी टू दिस, ये टैग्स भी लगे हुए थे। मिंटा बहुत हैरान होती है, इतने सारे प्रेजेंट बॉक्सेस और टैग्स लगे हुए और सब कुछ रेडी। फिर एक बॉक्स में टू मिंटा From Mary with love, वो ये गिफ्ट मिंटा के लिए, और वो जानती थी कि एक फ़ोटो फ्रेम है जो उसकी जो उसने अपने मदर से कहा था कि मैं नहीं जानती कि कोई बहुत अच्छा फ़ोटो भी मेरे लिए हो सकता है, मेरा कोई बहुत अच्छा फ़ोटो भी है, तो वो एक फ़ोटो फ्रेम है। वो समझ जाती है कि इसकी मदर ने उसके लिए फ़ोटो फ्रेम पैक किया है। देन शी कम्स टू नो, यहाँ पे ये वो जगह थी, ये वो इवेंट था जिस पे मिंटा कम्स टू नो, मिंटा को पता चल जाता है कि उसकी मदर जानती थी कि वो अब दुनिया में नहीं रहेगी। उसकी मदर ने जिस तरह से क्रिसमस से बहुत पहले क्रिसमस गिफ्ट्स अरेंज करके उनके नेम्स लिख के पैक कर दिए थे, वो जानती थी कि वो क्रिसमस से पहले मर जाएगी। यहाँ से मिंटा की लाइफ चेंज हो गई। मिंटा भागती हुई आई, उसने हर चीज़ जो है अपनी मदर की हर चीज़ वहीं दोबारा वापस रख दी, और वापस आके उसने अपने फादर से कहा कि शी थिंक्स शी इज़ गोइंग टू कीप एवरीथिंग विद हर, शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट अवे विद द थिंग्स ऑफ हर मदर। वो अपनी अम्मी की हर चीज़ अपने पास ही रखेगी। एंड उसके फादर भी उसको देखते हैं, एंड देन शी इमिजिएटली पुट्स ऑन ऑल द लाइट्स विद अ साउंड, ज़ोर ज़ोर से वो स्विचेस ऑन कर देती है। वो लिविंग रूम में जाती है जो कि ऑलमोस्ट अनलाइवली था, जहाँ उसके फादर भी बैठे हुए थे, वो जल्दी से स्विच ऑन करती है सारी लाइट्स को, टेलीविज़न ऑन कर देती है। शी बिकम्स लाइवली आफ्टर वर्ड्स। उसकी मदर के इस पॉजिटिव एटीट्यूड ने उसको इतना इनकरेज किया। उसने कहा कि उसकी मदर को पता था वो मरने वाली है, फिर भी उसकी मदर ने कभी शो ही नहीं किया, कभी दुख का इजहार नहीं किया, कभी अपने चेहरे पर उदासी नहीं लाई,
बल्कि अपनी सारी तैयारियां मुकम्मल कर लें, बिकॉज शी हैड अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ। वो ज़िंदगी के एक एक लम्हे को जीना चाहती थी। ऑल दो शी न्यू, वो जानती थी कि वो जल्द मर जाएगी, लेकिन जितना टाइम उसके पास था उसने उस टाइम को एन्जॉय किया, अपनी फैमिली के साथ, उसकी अपनी फैमिली की केयर की, बच्चों बाहर के बच्चों के साथ एन्जॉय किया। उसने एक एक लम्हे को जिया, अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा पूरी तरह से जिया उसने। और इस बात ने मिंटा को इतना इनक्रेज किया तो उसने कहा कि इंस्टेड ऑफ मॉर्निंग मातम करने के बजाय मुझे भी ज़िंदगी की खुशियों को एन्जॉय करना चाहिए। ये एक सबक मिला उसे मिंटा की मदर की एटीट्यूड से। वो बहादुर बन गई, वो फौरन आई लिविंग रूम में, सारी लाइट्स ऑन कर दी। लाइट्स ऑन करना मींस दैट द लाइफ इज़ लाइटेंड अप। इट कैन सिग्निफाई दैट हर लाइफ इज़ लाइटेंड अप नाउ, उसकी ज़िंदगी रोशन हो चुकी है। शी टर्न्स ऑन द टेलीविज़न, वो एकदम से टेलीविज़न ऑन कर देती है वो। और फिर वो अपने फादर से, वो किचन में जाती है, रेफ्रिजरेटर में से पिल्स निकाल के सामने विंडो सिल पे रख देती है कि वो, ताकि दोबारा उसे सुबह, अगली सुबह उसे ये वाइटामिन पिल्स नज़र आए, उसे याद रहे कि उसने अपने फादर को ये पिल्स देनी है। फिर वो कहती है कि आई वॉन्ट टू ईट एप्पल, और फिर उसके फादर कहते हैं कि हाँ मेरे लिए भी एक एप्पल ले आना, आते हुए रेफ्रिजरेटर में से। वो वापस आती है, शी स्वर्ल्स दैट एप्पल टूवर्ड्स हर फादर, एंड मोस्ट ऑफ ऑल शी सिट्स इन द चेयर ऑफ हर मदर बाय द फायर, ब्लू चेयर ऑफ हर मदर बाय द फायर। जिस चेयर पे बैठ के उसकी मदर आग के पास, जिस चेयर पे वो बहुत कंफर्टेबल महसूस करती थी, बैठती थी, ब्लू चेयर, उस पे मिंटा बैठ जाती है। And she starts eating apple like her mother. उसको याद आता है कि एक दफ़ा उसकी मदर ने उसको हक किया था और उसे कहा था कि मिंटा तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। ये अल्फाज उसके माइंड में गूंजते हैं और फौरन अपनी मदर की चेयर पे बैठ जाती है। इट शोज़ दैट शी हैज़ स्टार्टेड टेकिंग अप द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द हाउस होल्ड चोर्स, कि उसने घर के जितने भी काम हैं उसकी ज़िम्मेदारी ले ली है, अपने फादर की केयर की ज़िम्मेदारी उसने अब उठा ली है। अब वो एक ज़िम्मेदार लड़की बन गई है। शी इज़ नो मोर इमेच्योर, शी हैज़ अडॉप्टेड मेच्योर एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ। और मोस्ट ऑफ ऑल शी सेज़ टू हर फादर दैट दे शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द क्रिसमस। अपने फादर से कहती है कि चलें क्रिसमस की तैयारियां शुरू कर दें, क्योंकि उसकी मदर हमेशा कीन होती थी क्रिसमस शॉपिंग के लिए। और वो भी वही कहती है अपने फादर से कि मेरा ख्याल है कि हमें क्रिसमस की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। राइटर ये कहना चाहता है कि डेथ इज इमिनेंट, मौत जो है वो बरहक है, हमें ज़िंदगी के हर लम्हे को पूरी तरह से जीना चाहिए। ज़िंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर ब्लेसिंग है, ये अल्लाह का रहम है, हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए और ज़िंदगी के हर लम्हे से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए, उसे खुशी से गुजारना चाहिए। कमिंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, इन दिस चैप्टर ज़ोया शेरबन वांट्स टू शो अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन अ मदर एंड अ डॉटर। पहले तो माँ बेटी का रिश्ता जो है उसके बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से बयान किया गया है। अ मदर एंड अ डॉटर कैन हैव एन अनइमेजिनेबल बॉन्ड, उनके गैर तसव्वुराती एक रिश्ता आपस में होता है, एक ताल्लुक होता है। अ मदर लव्स कम्फर्ट्स एंड सपोर्ट्स हर डॉटर, एक माँ अपने बच्ची से प्यार करती है, उसको कम्फर्ट करने की कोशिश करती है, उसको सपोर्ट करती है। शी नोज़ दैट हर डॉटर इज़ द बेस्ट पीस ऑफ हर, माँ को ये एहसास होता है कि उसकी बेटी उसका बेहतरीन हिस्सा है। अ डॉटर इज़ कनेक्टेड टू हर मदर एज इफ शी इज़ हर सोल मेट, और बेटी भी माँ से इस तरह अटैच होती है जैसे उनका रूह का रिश्ता है। सेकेंडली द राइटर एक्सप्रेसेज द इमिनेंट नेचर ऑफ डेथ, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि राइटर मौत के बरहक होने का को जाहिर करता है, विच टेक्स अवर डियर वंस अवे फ्रॉम अस। ऑल्दो वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस रियलिटी, हम मोस्ट ऑफ अस, ज़्यादातर हम लोग इस डेथ की जो हकीकत है उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, हम इससे दूर भागना चाहते हैं। लेकिन राइटर कहता है कि ये बरहक है जो हमारे बहुत क्लोज लोगों को हमसे दूर ले जाना चाहती है। डेथ इज़ अवर ग्रेट कॉमन डेस्टिनी, मौत जो है वो हमारी एक आम मंजिल है, एक मंजिल है हम सब लोगों की। देयर फोर वी शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट इट, हमें इसे कबूल करने के लिए तैयार रहना चाहिए। एज इन द स्टोरी मैरी हॉली नोज दैट शी इज़ गोइंग टू डाई सून, मैरी जानती है कि वो जल्द ही मरने वाली है। स्टिल शी नेवर फील्स एग्नी एंड स्पेंड्स टाइम विद हर डॉटर चीयरफुली, वो तो अपनी बेटी के साथ बहुत खुशी से
वक्त गुजारती है एंड हैज़ इवन पैक्ड क्रिसमस प्रेजेंट्स इन एडवांस फॉर आर डियर वंस, और पहले से ही क्रिसमस के गिफ्ट्स पैक करके उसने रखे हुए हैं। शी इज़ ऑलवेज ड्रेस्ड इन ब्राइट कलर्स। फिर सबसे बड़ी बात, वो हमेशा शोख रंग पहनती है एंड लुक्ड यंग, गे एंड केयर फ्री विथ शाइनिंग आइज। बहुत नौजवान दिखाई देती है, बहुत केयर फ्री, उसकी आंखों में चमक रहती है। शी स्पेंड्स होल टाइम इन सच अ नॉर्मल वे दैट हर हस्बैंड एंड डॉटर थिंक शी डज नॉट नो दैट शी इज गोइंग टू डाई सून। वो ऐसे नॉर्मली जिंदगी गुजारती है कि उसके हस्बैंड और उसकी बेटी सोचते हैं कि इसको नहीं पता कि वो मरने वाली है। इट इज़ अ लेसन फॉर हर डॉटर हु गेट्स इनकरेज्ड। ये उसकी डॉटर के लिए एक सबक है जिसको हौसला मिलता है और वो भी बहादुर हो जाती है टू फेस दिस ट्रेजेडी ऑफ लूजिंग हर मदर। अपनी अम्मी की, जो अम्मी को खो देने का जो गम है, सदमा है, उसको फेस करती है बहादुरी से। शी कम्स टू नो दैट शी हैज़ टू गो फॉरवर्ड एंड मूव ऑन। अब उसे पता चलता है कि उसे आगे बढ़ना है ज़िंदगी में। शी इमिजिएटली अडॉप्ट्स द रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड टूवर्ड्स हर फादर एंड हाउस होल्ड्स। फिर वो फौरन ही एक ज़िम्मेदाराना रवैया इख्तियार कर लेती है अपने फादर के लिए भी और घर के कामों के लिए भी। एन इम्पॉर्टेंट लेसन फॉर द रीडर्स इज दैट नो वन नोज द टाइम ऑफ वन्स डेथ। रीडर्स के लिए ये एक बहुत अहम सबक है कि कोई भी अपनी मौत का वक्त नहीं जानता। सो लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। जिंदगी को भरपूर तरीके से जिए। वन मस्ट सर्टनली एन्जॉय द ब्यूटिफुल ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ बिफोर डेथ ओवरटेक्स। हर एक को जिंदगी के लम्हात को, जिंदगी का जो ये ब्लेसिंग्स हैं, रहमो करम है, इसको बहुत अच्छी तरह से एन्जॉय करना चाहिए, लुत्फानंदोज़ होना चाहिए इससे पहले कि मौत जो है वो आप पे गलबा पा ले, आपको ले जाए। सो दिस इज़ द थीम ऑफ द चैप्टर। I hope it is clear to you. Coming to your page number 31 with its meanings and explanation, although it is a lengthy chapter, ye thoda lengthy chapter hai, I'll go hurriedly with it, but I hope that everything, your concept will be clear about everything given here. The day that Minta Hawley grew up was a crisp golden day in early September. It was the day of early September when afterwards she was to remember everything about that day. Jab wo badi hui to it was early September when she became a teenage girl. She was going to join her first year grade now. Afterwards she was to remember everything about that day with poignant clarity. Poignant means sharp pointed keen, उदास कर देने वाला। Poignant clarity, इस वजाहत से इसको वो दिन याद है जो अब भी उसको उदास कर देता है। She remembered the slapping sound the waves made. उस दिन उसको लहरों की आवाज़ भी ऐसे लग रही थी जैसे जैसे कोई थप्पड़ की आवाज़ हो। The pungent smell of the logs burning, और जो दरख्त के तने उनके जलने की बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की उसको स्मेल आ रही थी। Even the gulls that soared and swooped overhead, seagulls जो समंदरी परिंदे थे वो भी ऊपर उड़ रहे थे उसके सर के ऊपर। But most of all she remembered her father's face when he told her। यहाँ वो readers के mind में एक conflict पैदा कर देती है ये कह के कि उसे याद है अपने father का वो चेहरा जब उसने बेटी को कुछ बताया था। अब यहाँ पे रीडर्स के माइंड में एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि ऐसी क्या बात उसके फादर ने उसको बताई थी। इट बिगेन लाइक एनी अदर सैटरडेज विद मिंटा लाइंग इन बेड एन एक्स्ट्रा आवर। ब्रेकफास्ट वॉज ऑलवेज लेजी एंड अनहरीड ऑन सैटरडे मॉर्निंग्स। द थ्री ऑफ देम इन द ब्रेकफास्ट रूम, मिंटाज फादर एनग्रॉस्ड इन हिज पेपर, हर मदर फ्लाइंग अराउंड इन अ गेली कलर्ड हाउस कोट मिक्सिंग वेफल्स एंड फ्राइंग बेकन, मिंटा सेटिंग द टेबल। कहती है ये भी सैटरडे, ये वो सैटरडे था जो हर सैटरडे की तरह से था, जिस सुबह हमेशा नाश्ता हमेशा लेट होता था और तीनों जो थे वो ब्रेकफास्ट रूम में मौजूद थे। मिंटा के फादर एज़ यूजुअल अखबार पढ़ने में मसरूफ़ थे, उसकी मदर इधर उधर भागती फिर रही थी जबकि उन्होंने बहुत खूबसूरत
ब्राइट कलर का, गेली कलर्ड, बहुत शोख रंग का कोट पहन रखा था जो अक्सर वो घर में पहनती थी। मिक्सिंग वेफल्स वो तैयार, बैटर तैयार कर रही थी केक के लिए और पिग मीट को फ्राई कर रही थी। मिंटा अपने मिंटा टेबल पे प्लेट्स वगैरह लगा रही थी। दे टॉक द कैजुअल हैप्पी टॉक ऑफ पीपल हु लव ईच अदर एंड डोंट हैव टू मेक कन्वर्सेशन। वो उस तरह से खुश लोगों की तरह थे जो कि यूजुअली एक दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन इनफॉर्मल बातें उनके दरमियान चलती रहती हैं अबाउट नेबरहुड डूइंग्स, पड़ोसियों के बारे में, आइटम्स इन द पेपर, अखबार में क्या आया है, अबाउट द क्लोथ्स मिंटा वुड नीड व्हेन शी वेंट अवे टू स्कूल। जब वो मिंटा जो है वो स्कूल जाएगी तो उसको इन अ कपल ऑफ वीक्स, अगले कुछ हफ्तों के बाद जब वो स्कूल जाएगी तो उसको कौन से कपड़े चाहिए होंगे। इट वॉज आफ्टर द डिशेज वर फिनिश दैट मिंटा फादर्स आस्क्ड हर इफ शी वुड लाइक टू गो डाउन टू द बीच फॉर अ लिटल वाइल, लो टाइड ही सेड माइट गेट अ फ्यू क्लैम्स। और उसके फादर ने कहा कि क्या वो जाना पसंद करेगी साहिले समंदर पे कि ताकि कुछ सी फूड लाया जाए, अगले सी फूड कुछ लाया जाए, क्योंकि इस दफ़ा जो पानी की सतह है लो टाइड, पानी की सतह कम है, माइट गेट अ फ्यू क्लैम्स, उन्हें कुछ समंदरी फूड मिल जाएगा और वो घर ले आएंगे। मिंटा नॉडेड एग्रीमेंट बट हर मदर मेड अ लिटिल फेस। मिंटा ने रजामंदी में सर हिला दिया लेकिन उसकी मदर ने कुछ मुँह बनाया। हॉरर्स, क्लैम चाउडर फॉर अनदर वीक। उसने कहा कि फिर भी हम सी फूड सूप पियेंगे। चाउडर इज़ अ सूप, क्रीमी सूप मेड ऑफ सी फूड, समंदरी जो जानवर हैं, जो फिश हैं, उनका ये सूप है जो कि, और फिर वो कहती कि दूसरे वीक भी अब हम यही खाएंगे और यही सूप पियेंगे। श्योर यू वुडेंट लाइक टू गो मैरी, मिंटास फादर आस, द साल्ट एयर माइट हेल्प योर हेडेक। उसने कहा कि मैरी तुम नहीं जाना चाहोगी क्योंकि जो साल्ट एयर है, नमकीन हवा जो है समंदर की, हो सकता है वो तुम्हारे सर दर्द को कम कर दे। नो यू टू रन अलॉन्ग, आई कर्ल अप विद एन एप्पल एंड अ टेलीविजन प्रोग्राम। वो कहते हैं कि नहीं, मैं अपनी चेयर पे, कर्ल अप मीन्स टांगे ऊपर करके चेयर पे बैठ जाना, जब घुटने जो है वो आपकी बेली के साथ जुड़े हुए होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कर्लिंग अप इन अ रिलैक्स मूड विद एन एप्पल एंड अ टेलीविजन। कहती है मैं तो सेब खाऊंगी और टेलीविजन देखूंगी। शी यॉन्ड एंड स्ट्रेच्ड, उसने कुछ सुस्ती का मुजाहिरा भी किया, अंगड़ाई ली और साथ में जमाई भी ली, लुकिंग ऑलमोस्ट एज यंग एज, और उस टाइम वो बहुत अपनी बेटी की तरह, मिंटा की तरह बहुत यंग नज़र आती थी। मिंटा रैन अपस्टेयर्स एंड गॉट इनटू हर हैवी शूज़ एंड जीन्स। मिंटा भाग के ऊपर चली गई, अपने शूज़ और जीन्स पहने। शैल आई कॉल सैली एंड आस्क हर इफ शी वॉन्ट्स टू गो, शी यल्ड। वहीं से वो जो सीढ़ियों की रेलिंग है उसके ऊपर से झुक के उसने अपने फादर से पूछा कि क्या मैं सैली को भी बुला लूँ हमारे साथ जाने के लिए। लीनिंग फार ओवर द बैनिस्टर, बैनिस्टर ये जो सीढ़ियों की के साथ जंगला लगा हुआ होता है, रेलिंग होती है, दैट इज कॉल्ड बैनिस्टर। लेट्स जस्ट गो बाय आवर सेल्फ दिस टाइम, हर फादर आंसर रादर शॉर्टली। उसके फादर ने बहुत मुख्तसर जवाब दिया कि नहीं, आज हम दो ही जाएंगे। ही वॉज साइलेंट एज दे ड्रोव टू वर्ड द बीच। वो बहुत खामोश था पूरे उस ड्राइविंग के दौरान, उसका फादर बहुत खामोश था, बट इट वॉजेंट द कंपेनियनेबल साइलेंस, लेकिन ये कोई इतनी फ्रेंडली साइलेंस नहीं थी, कंपेनियनेबल फ्रेंडली दोस्ताना किस्म की खामोशी नहीं थी। उसके फादर वैसे भी खामोश रहते थे अक्सर, लेकिन वो खामोशी दोस्ताना किस्म की खामोशी होती थी। शी न्यू दैट ही इज़ हैबिचुअली साइलेंट, बट दिस टाइम ही इज़ अनयूजुअल व्हेन ही इज़ साइलेंट। गैर मामूली खामोशी थी। देयर वॉज समथिंग ग्रिम अबाउट इट, कुछ ऐसी सीरियस चीज़ थी, कोई ऐसी संजीदा, ग्रिम मीन्स सीरियस, संजीदा, कुछ ऐसी संजीदा चीज़ थी जो कि जिसके बारे में वो सोच रहे थे। ही इज़ गोइंग टू टॉक टू मी अबाउट स्कूल, मिंटा टोल्ड। मिंटा खुद से ही कहती है कि मे बी वो मेरे साथ स्कूल के बारे में बात करें। ही इज़ गोइंग टू ट्राई टू टॉक टू मी आउट ऑफ इट अगैन, वो दोबारा मुझसे इस बारे में बात करना चाहते हैं। इट वॉज फनी द वे हर फादर हैड एक्टेड वेन शी अनाउंस्ड हर इंटेंशन ऑफ गोइंग टू मैरी हिल दिस टर्म। इससे पहले जब भी कभी उसने अपने फादर से कहा कि वो मैरी हिल कॉलेज जाएगी, इस टर्म को ज्वाइन करेगी, तो उसके फादर हमेशा फनी वे में एक्ट करते थे, केयरलेसली वो इस चीज़ को इग्नोर करते थे। इट हैड ऑलवेज बीन सच एन एक्सेप्टेड थिंग, हर मदर हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम मैरी हिल एंड इट फॉलोड दैट मिंटा शुड बी एनरोल्ड देयर एज अ मैटर ऑफ कोर्स। और क्योंकि उसके फादर इसलिए इग्नोर करते थे कि ये एक यूजुअल सी बात है, कॉमन बात है, उसकी मदर ने भी मैरी हिल से ग्रेजुएशन की थी और इट वॉज नेचुरल के मिंटा भी वहीं जाएगी ग्रेजुएशन करने के लिए, वो भी वहीं पर दाखिला लेगी।
लास्ट ईयर वॉज डिफरेंट विद मदर जस्ट रिकवरिंग फ्रॉम दैट ऑपरेशन, इट वॉज नेचुरल दैट ही शुड एक्सपेक्ट मिंटा टू स्टे होम. पिछले साल उसने वो टर्म इसलिए नहीं ज्वाइन किया था कि उसकी मदर का ऑपरेशन हुआ था और शी वॉज रिकवरिंग फ्रॉम ऑपरेशन, तो उसने वो टर्म ड्रॉप कर दिया था. शी हैड इवन वॉन्टेड टू स्टे क्योंकि वो खुद भी चाहती थी अपनी मदर के साथ वो रुके क्योंकि उसकी मदर को उसकी ज़रूरत है. बट नाउ गोइंग टू मैरी हिल वॉज समथिंग स्पेशल. शी वुड लिव इन अ डॉर्मेटरी एंड बी पार्ट ऑफ ऑल द कैंपस फन. अब इस दफ़ा वो कह रही थी कि वो ज़रूर जाएगी और इट वॉज समथिंग स्पेशल. उसने कहा कि मैं हॉस्टल के कमरे में रहूँगी. डॉर्मेटरी इज़ अ लार्ज रूम विद मैनी बेड्स यूजअली फाउंड इन द हॉस्टल्स. ना हॉस्टल्स में जो कमरा आपको देखने को मिलता है एक बड़ा कमरा होता है, बहुत से बेड्स लगे होते हैं. वो कहती है कि मुस्तफ़ा जाएगी अपनी फ्रेंड्स के साथ कैंपस में रहेगी और बहुत एंजॉय करेगी. इट वॉजेंट एज इफ मैरी हिल वर क्लियर अक्रॉस द कंट्री ईदर. शी वुड प्रॉबली बी गेटिंग होम एवरी मंथ क्योंकि वो मुल्क से बाहर जाएगी तो उसको नहीं पता कि वो हर मंथ घर आ सकेगी. एंड देवर द क्रिसमस हॉलीडेज, लेकिन ये है कि क्रिसमस की छुट्टियाँ होंगी एंड देन स्प्रिंग वेकेशन भी होगी. शी कुड कम होम एंड स्टे विद हर पेरेंट्स. मिंटस चिन वॉज लिफ्टेड इन अ स्टबन लाइन एज हर फादर पार्क द कार एंड वेंट अराउंड टू गेट द शवल्स एंड पेल फ्रॉम द ट्रंक. मिंटा के फादर उतर गए गाड़ी से और जाके अपने वो बेलचा और बाल्टी निकाल के ले आए. उस वक्त मिंटा ने अपनी चिन जो है अपनी थोड़ी कुछ जिद्दी पन में, शी बिकेम स्टबन एट दैट टाइम कि उसके फादर क्यों नहीं रिस्पॉन्स दे रहे. इट वॉजेंट लाइक हिम टू बी सो स्टबन. उसके फादर तो इतने स्टबन, इतने फर्म, इतने जिद्दी नहीं थे. यूजली ही वॉज जॉली एंड ईजी गोइंग थे वो एंड इनक्लाइन टू लीव सच मैटर्स एंटायरली अप टू मिंटाज मदर. वो तो मजाहिया थे और बहुत ईजी गोइंग थे और इस तरह के मामला वो मिंटा की मदर पे छोड़ देते थे कि चले आप अपनी मदर से बात करें, वो जो कहेंगी. शी फॉलोड हिम डाउन टू द बीच हर बूट स्क्विशिंग इन द वेट सैंड. अब वो बीच की तरफ अपने फादर के पीछे पीछे साहिल की तरफ चलेगी. उसके बूट्स जो हैं वो स्क्विशिंग साउंड पैदा कर रहे थे जैसे कोई गीली गीली चीज़ की आवाज़ आती है. गीली रेत भी थी और उसकी शूज़ भी अब वेट हो चुके थे तो वो स्क्विशिंग साउंड पैदा कर रहे थे. Squishing means a sound of something wet, किसी गीली चीज़ की आवाज़. The tide was far out and farther up. इस वक्त जो लहर थी far out बहुत unusual थी, दूर थी, and farther up और वो कुछ दूर भी फासले पर थी. She could see bent figures busily digging along the water's edge. वो देख सकती थी कुछ लोग जो हैं वो झुके हुए हैं और पानी के किनारे साहिल पे digging कर रहे हैं, खुदाइयाँ कर रहे हैं. A scattered beach fire smoldered near the bank and Minta poked it. Smoldered burns slowly with smoke but no flame. आग जो है कहीं पे साहिल साहिले समंदर पे लोगों ने आग जलाई हुई थी लेकिन आग जल नहीं रही थी, सिर्फ अंगार जल रहे थे. And Minta poked it into place and revived it. Poked it, jab or prod something with hand or sharp. किसी चीज़ से उसने अंगारों को इधर उधर हिलाया ताकि दोबारा से ये और ज़्यादा बर्न करें और ज़्यादा ये जलना शुरू हो जाएं. रिवाइव्ड इट, दोबारा इनको जलाने के लिए. विथ स्प्लिंटर्स ऑफ ड्रिफ्ट वुड, स्प्लिंटर्स स्मॉल पीसेज ऑफ ड्रिफ्ट वुड. ड्रिफ्ट वुड होती है पीसेज ऑफ वुड फ्लोटिंग ऑन द सी और हैव बीन वॉश्ड अशोर. छोटे छोटे लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं जो कि या तो समंदर की लहर के साथ साहिल पे आ गिरे होते हैं या वो बच गए होते हैं, पहले से वहाँ पड़े होते हैं. उनकी आग थी. अनटिल शी हैड कॉक्स्ड बैक अ स्टेडी वार्मिंग ब्लेज. कॉक्स्ड बैक मीन्स के वो दोबारा जो है वो उसको एक फ्लेम में, एक गर्म जो शोला है उसमें बदल देती है. व्हेन शी सैट बैक ऑन हर हील्स टू स्माइल अप एट हर फादर, जब वो दोबारा अपने पाँव पे बैठ जाती है और फिर अपने फादर की तरफ देख के मुस्कराती है. शी फेल्ट हर थ्रोट कंस्ट्रिक्ट विद द स्मॉदरिंग फियर. कंस्ट्रिक्ट मीन्स नैरो. वो देखती जैसे उसका गला खुश्क हो रहा है, तंग हो रहा है. कंस्ट्रिक्ट विद द स्मॉदरिंग फियर. Smothering means के वो like something has choked into her throat. Suffocation type feelings. उसे जैसे घुटन हो रही है उसके गले में. His eyes looked the way they had when suddenly she remembered he was looking at her and trying to smile. Just the way he had looked at her the time her appendix burst and they were taking her to the hospital. उसने देखा कि उसके father उसको देख रहे हैं और स्माइल करने, मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं.
उसको वो दिन याद आया, बिल्कुल उसी तरह से उसके फादर ने आज भी बिहेव किया जिस दिन उसकी अपेंडिक्स जो थी वो बर्स्ट हो गई थी और उसको उसके पेरेंट्स हॉस्पिटल लेके जा रहे थे. शी कुड ऑलमोस्ट हियर द वेल ऑफ द एम्बुलेंस सायरन एंड फील द वे ही हैड हेल्ड हर हैंड्स टाइटली ट्राइंग टू मेक इट ईजियर. उसको आज भी वो एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ आ रही थी जब उसके फादर ने उसका हाथ भी बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था ताकि उसके दर्द को कम हो, वो उसका दर्द किसी तरह कम हो. हिज आईज हैड टोल्ड हर देन एज दे टोल्ड हर नाउ दैट ही वुड 1,000 times रादर बेयर द पेन देन वॉच हर सफर. उस वक्त उसकी उसके फादर की आंखें उसको बता रही थी कि वो अपनी बेटी की जगह 1,000 मरतबा ये पेन बर्दाश्त करने के लिए तैयार है ताकि उसकी बेटी इस पेन से ना गुजरे. It seemed like a long time that she knelt there by the beach fire, afraid to move, childishly willing herself to wake from the nightmarish feeling that gripped her. और फिर वो बीच आग के पास वो बहुत मजबूत वो बैठी भी थी. अब वो डर के मारे हिल भी नहीं रही थी. childishly willing herself to wake from the nightmarish feeling that gripped her. वो चाहती थी कि वो उस ड्राउने किस्म के एहसास से अपने आप को जाग जाए वो जिसने अभी उसको पकड़ लिया था. He took her hand and pulled her to her feet and they started walking up the beach slowly, not toward the group of people digging clams but in the other direction toward the jagged pile of rocks that jutted out in the bay. लोगों से दूर उसके फादर उसको हाथ से पकड़ के लोगों से थोड़ा दूर ले गए जहाँ पे लोग डिगिंग कर रहे थे सी फूड के लिए. वो दूसरी सिमत में चले गए टूअर्ड द जैग्ड पाइल ऑफ रॉक्स. जैग्ड मीन्स रफ इवनली कट. जहाँ पे चट्टाने जो है वो बिखरी हुई थी इधर उधर. जो पत्थर थे बड़े बड़े जो साइले समंदर पे पत्थर थे वो इधर उधर बिखरे पड़े थे. दैट जटेड आउट इन टू द बे. जट आउट मीन्स एक्सटेंड आउटवर्ड्स जो कि दूर दूर तक फैले हुए थे. She heard a strange voice, her own voice. उसको एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी जो उसकी अपनी आवाज़ थी. I thought you wanted to talk to me about school, but it isn't that, is it, father? मेरा ख्याल है कि आप मुझसे स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं. क्या ऐसा ही है ना? His fingers tightened around hers. In a way, it is about school. जैसे ही उसने कहा कि इट इज़ अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में, तो उसने देखा कि उसके फादर की जो उंगलियां हैं वो उसके हाथों में हाथों को ज़ोर से दुबाती हैं. एंड देन बिफोर द फीलिंग ऑफ रिलीफ कुड इरेज द फियर ही वेंट ऑन. और फिर जब फीलिंग ऑफ रिलीफ जो था इससे पहले कि वो इस खौफ को दूर करता कि उसके फादर बोल उठे, आई वेंट टू सी डॉक्टर मॉर्टन लास्ट वीक मिंटा. आई हैव बीन सीइंग हिम प्रिटी रेगुलरली दीज लास्ट फ्यू मंथ्स. मैं डॉक्टर मॉर्टन को पिछले हफ्ते देखने गया, उनसे मिलने गया जिनसे मैं ये पिछले कुछ महीनों में बाकायदगी से मिल रहा हूँ. शी फ्लैश्ड अ क्विक फ्राइटेंड लुक अप एट हिम. यू आरंट इल. वो अचानक अपने फादर की तरफ जल्दी से डर के देखती है. आप बीमार हैं? नो ही साइड एंड इट वॉज अ हार्ट ब्रेकिंग साउंड. उन्होंने एक आह भरी. साइड मीन्स टू मेक अ डीप सिंगल ऑडिबल रेस्पायरेशन. यानी उन्होंने एक बहुत लंबी आह भरी इस बात पे. नो इट इज़न्ट मी. नहीं, ये मैं नहीं हूँ. इट्स योर मदर. ये तुम्हारी अम्मी हैं. दैट्स वाई आई डोंट वॉन्ट यू टू गो टू मैरी हिल दिस ईयर. इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस साल भी तुम कॉलेज मत जाओ. But she's feeling so much better, Dad. Except for these headaches, one in a while, she's even taking on a little weight. वो कहती है लेकिन वो तो अभी बिल्कुल ठीक है, वो तो बेहतर हैं बहुत ज़्यादा. सिवाय इसके कि कभी कभार उनको कुछ सर दर्द महसूस होता है, या अभी तो उन्होंने वेट गेन करना भी शुरू कर दिया है. शी ब्रोक ऑफ एंड स्टॉप्ड वॉकिंग. वो एकदम से रुक गई, उसने बोलना छोड़ दिया एंड स्टॉप्ड. वो फिर वॉक करना भी छोड़ दिया. एंड हर हैंड वो स्टडी ऑन हिज आर्म. और उसने अपना हाथ आराम से अपने फादर के बाजू पे रखा. टेल मी, शी सेड क्वाइटली. उसने कहा आप मुझे बताएं. द लुक वॉज बैक इन हिज आइज अगैन बट दिस टाइम मिंटा स्केर्सली नोटिस्ड इट. वही उदासी की जो लहर थी उसके फादर की आंखों में दोबारा आई, लेकिन मिंटा ने इसको इस मरतबा कम ही गौर किया इस पर. शी वॉज अवेयर ओनली ऑफ हिज वर्ड्स, क्योंकि वो तो उसके अल्फाज पर अभी गौर कर रही थी. द ड्रेडफुल एक्विंग फाइनैलिटी ऑफ हिज वर्ड्स. अब जो फाइनैलिटी आखिरी अल्फाज अभी वो जो कहेगा, उसका उसके खौफ से वो बिल्कुल चुप थी. Her mother was going to die. To die? Her mother to die, the doctor said. डॉक्टर ने कहा कि उसकी माँ मरने वाली है. और यही अल्फाज दोबारा से एको हुए उसके माइंड में. To die? 3 months perhaps less.
तीन महीने या शायद उससे भी कम का अरसा रह गया। हर मदर हु वॉज गे एंड स्कैटर ब्रेन्ड एंड मोर फन देन एनी वन एल्स इन द वर्ल्ड, उसकी जो माँ थी जो कि बहुत बहुत खुश थी, हु वॉज गे, बहुत ही ब्राइट थी एंड स्कैटर ब्रेन्ड, स्कैटर ब्रेन मीन्स एबसेंट माइंडेड, भूल जाती थी अक्सर, एंड मोर फन देन एनी वन हर मदर एल्स इन द वर्ल्ड, लेकिन बहुत एन्जॉयबल थी वो, बहुत एन्जॉय करती थी, लुत्फ उठाती थी, मज़ा करती थी ज़िंदगी में। हर मदर हु कुड बी काउंटेड ऑन टू अनाउंस इन द स्प्रिंग दैट शी वॉज गोइंग टू डू हर क्रिसमस शॉपिंग अर्ली दिस ईयर, और हर साल वो स्प्रिंग के महीने में फ़ौरन अनाउंस कर देती थी कि वो शी वॉज गोइंग टू डू हर क्रिसमस शॉपिंग, काउंटेड ऑन, रिलाई ऑन, यानी वो अपने मदर पे, वो इस बात पे ट्रस्ट करती थी कि जैसे ही स्प्रिंग शुरू होगा उसकी मदर शोर मचाना शुरू हो जाएगी कि इस वक्त हम, इस साल हम क्रिसमस शॉपिंग बहुत जल्दी कर लेंगे, एंड देन लेफ्ट एवरीथिंग अंटिल द वीक बिफोर क्रिसमस, और फिर क्रिसमस से एक हफ्ता पहले उनकी सारी तैयारी मुकम्मल हो जाया करती थी। शी वॉज सो प्रिटी एंड केयरिंग, वो तो बहुत खूबसूरत थी, बहुत केयरिंग थी, बहुत ख्याल रखने वाली थी, शी ऑलवेज हैड टाइम फॉर थिंग्स लाइक, और हर वक्त उनके पास इस टाइम होता था लिसनिंग टू न्यू रिकॉर्ड्स एंड हेल्पिंग पेस्ट पिक्चर्स इन मिंटा स्क्रैप बुक्स, न्यू म्यूजिक सुनती थी वो, और फिर मिंटा की जो स्क्रैप बुक थी उसके ऊपर पिक्चर्स भी पेस्ट करती थी, मिंटा की हेल्प करती थी उसके साथ। शी वॉजंट एवर सिक एक्सेप्ट फॉर द हेरिक्स एंड द ऑपरेशन लास्ट ईयर विच शी हैड लॉफिंगली डिसमिस्ड एज अ रेस्ट क्योर, और फिर उसके पास तो वो, उसको तो सिवाय सर दर्द के और जो जो उसका लास्ट ईयर ऑपरेशन हुआ था उसके अलावा तो देर वॉज नथिंग रॉन्ग विद हर, और जो कुछ भी था वो हमेशा हंस के, उसने जो ऑपरेशन हुआ था उसने उसको, वो उसको भूल गई थी, और जो बाकी की जो इलाज था, मुआवजा था, इलाज मुआवजा था उसके बारे में वो बिल्कुल सब कुछ भूल चुकी थी। आई शुडेंट हैव टोल्ड यू, वो अभी मिंटा यही सब सोच रही थी कि उसके फादर ने कहा कि मुझे तुम्हें नहीं बताना चाहिए था। हर फादर वो स्पीकिंग इन अ वॉइस दैट मिंटा हैड नेवर हर्ड फ्रॉम हिम बिफोर, उसने इस तरह की आवाज़ थी उसके फादर की कि कभी मिंटा ने इससे पहले ना सुनी, अ वॉइस दैट हैड लोनलीनेस एंड फियर एंड सॉर्ट ऑफ एंग्री पेन, वो ऐसी आवाज़ थी जिसमें अकेलेपन का एहसास था, खौफ था और एक गुस्से वाला दर्द था उनकी आवाज़ में। आई वॉज अफ्रेड आई कडंट मेक यू अंडरस्टैंड वाई यू हैड टू स्टे होम, मैं, मुझे यही डर था कि मैं तुम्हें नहीं समझा सकूँगा कि तुम्हें क्यों घर में रहना चाहिए, यानी कि मैं तुम्हें यह हकीकत नहीं बताना चाह रहा था, वैसे ही तुम्हें घर में रोकना चाह रहा था कि इस साल तुम मत जाओ, मैं तुम्हें हकीकत नहीं बताना चाहता था। वाई यू हैव टू फॉरगेट अबाउट मैरी हिल फॉर दिस ईयर, कि क्यों तुम्हें इस साल मैरी हिल कॉलेज को भूलना चाहिए। हिज आईज बेग्ड हर टू फॉरगिव हिम एंड फॉर सम रीजन शी वॉन्टेड टू पुट हर आर्म अराउंड हिम एज इफ शी वर मच ओल्डर एंड स्ट्रॉन्गर। अब वो हिज आईज बेग्ड हर टू, उसकी आंखें जो थी वो उससे माफ़ी मांग रही थी अपनी बेटी से कि मैं तुम, मुझे तुम्हें ये हकीकत, इतनी पेनफुल जो फैक्ट है वो नहीं बताना चाहिए था, लेकिन वो अपना बाजू अपने फादर की वेस्ट के गेट डाल देती है और ऐसे बिहेव करती है कि वो अब बड़ी है और वो मजबूत है, वो इस तरह की बातों को बर्दाश्त कर सकती है। ऑफ कोर्स यू हैड टू टेल मी, शी सेड स्टेडिली, उसने आराम से कंटिन्यूसली कहा कि हाँ यकीनन आपको मुझे बताना था, ऑफ कोर्स आई हैड टू नो, मुझे जानना चाहिए था, एंड देन थ्री मंथ्स बट डैड दैट्स क्रिसमस, सिर्फ तीन महीने, लेकिन ये तो क्रिसमस आ रही है। He took her hand and tucked it under his arm and they started walking again. उसने उसका हाथ लिया, उसको अपने बाजू के गेट डाला और फिर उन्होंने दोबारा से चहलकदमी शुरू कर दी। It was like walking through a nightmare. ऐसा लगता था कि वो एक डरावना ख्वाब देख रही है। The steady squish squish of the wind sand, उस रेत की आवाज़, गीली रेत की आवाज़, and the little hollows their feet made filling up almost as soon as they passed. और जैसे जैसे उनके पाँव से, उनके शूज से गढ़े रेत के अंदर पैदा हो रहे थे, वो उसी तेज़ी से फिल भी हो रहे थे। He talked quietly, explaining, telling her everything the doctor had said, and Minta listened without tears, without comment. वो बताता जा रहा था, वजाहत करता जा रहा था कि डॉक्टर ने क्या बताया है, और मिंटा बगैर आंसुओं के वो, और बगैर कोई बात किए सुनती जा रही थी। She watched his face as though it were the face of a stranger. उसने उसके चेहरे को देखा जैसे कि ये चेहरा किसी अजनबी का चेहरा हो। She thought about 1000 unrelated things. और उसने बहुत सी दूसरी गैर ज़रूरी चीज़ों के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया जो उससे रिलेट नहीं करती थी। शी रिमेंबर्ड ऑल द टाइम दे हैड गॉन स्विमिंग दिस पास्ट समर। मिंटा एंड हर फादर लव टू स्विम बट हर मदर हैड प्रेफर्ड टू कर्ल अप ऑन अ बीच ब्लैंकेट एंड वॉच देम। वो याद, उसको फौरन ख्याल आया कि इस गर्मियों में भी वो सब बीच पे जाया करते थे, जब मिंटा और उसके फादर को स्विमिंग पसंद थी वो स्विमिंग करते थे, जबकि मदर हमेशा कर्लिंग अप ऑन अ बीच ब्लैंकेट
बीच पे वो कर्ल अप होके बैठ जाती थी और उनको देखती थी. यू हैव द डिस्पोजिशन ऑफ अ लाइक शी यूज टू मिंटा यूज टू टेल हर मदर एंड टीज हर मदर दैट यू आर लाइक अ साइमीज कैट. साइमीज कैट लाइक अ शॉर्ट हेयर्ड ब्रीड ऑफ अ डोमेस्टिक कैट. एक छोटी सी जो डोमेस्टिक घर में जो पालतू बिल्ली होती है विद ब्लू आइज जो. और सियासमी साइमीज कैट मीन्स के बहुत केयरिंग ड्यूटीफुल कैट जो होती है. सो वेरी वेरी फेथफुल एंड लॉयल. यू हैव द डिस्पोजिशन ऑफ अ सियामीज कैट. मिंटा हैड एक्यूज हर मदर लॉफिंगली. उसने हंसते हुए अपनी मदर को पे ये इल्ज़ाम लगाया. अ कुशन बाय द फायर इन द विंटर एंड कुशन इन द सन इन समर. सर्दियों में आप कुशन लेके आग के पास बैठ जाती हैं और गर्मियों में धूप में बैठ जाती हैं. एंड अ बाउल ऑफ क्रीम नियर बाय हर मदर हैड एग्रीड इंस्टेंटली. और फिर क्रीम का एक प्याला भी आपके पास पड़ा होता है. एंड यू एन्जॉय ईटिंग क्रीम. देन हर मदर हैड एग्रीड इंस्टेंट. उसकी मदर फ़ौरन इस बात पर रजामंद हुई. उसने कहा हाँ ऐसा ही है. शी वॉज ऑलवेज गुड नेचर्ड अबाउट देयर टीजिंग. जब वो तंग करते थे तो वो एन्जॉय करती थी. इस चीज़ को वो बहुत एन्जॉय करती थी. इट वॉज लाइक कमिंग बैक फ्रॉम अ लॉन्ग जर्नी वेन हर फादर स्टॉप टॉकिंग एंड दे टर्न बैक टू वर्ड द कार. ये फिर एक ऐसा लग रहा था आज वो बहुत लंबे सफ़र से वापस आ रहे हैं. ये सफ़र आज उनको बहुत थका देने वाला बहुत लंबा सफ़र लग रहा था कि उसके फादर ने अब बात करना बंद कर दी और वो कार की तरफ आ गए. सो दैट्स वाई आई कांट लेट यू गो अवे मिज. मिज मैं इसलिए चाहता हूँ कि इस साल तुम मत जाओ. हर फादर्स वॉइस वॉज वेरी लो एंड ही डिडंट सीम टू रियलाइज दैट ही हैड कॉल्ड हर बाय द बेबीश नेम शी हैड डिस्कार्डेड व्हेन शी स्टार्टेड टू फर्स्ट ग्रेड. अब वो हर फादर्स वॉइस वॉज वेरी लो. उसके फादर की आवाज़ उस वक्त बहुत धीमी थी और उन्हें एहसास भी ना हुआ कि उन्होंने मैरी को उसके बचपन के निक नेम से पुकारा था मिज कहकर. जो कि अभी वो फर्स्ट ग्रेड में गई थी जब अव्वल क्लास में जब गई थी तो उसने ये नाम छोड़ दिया था. इट इज़न्ट जस्ट योर मदर आई एम थिंकिंग अबाउट. इट्स मी. आई नीड यू. मैं तुम्हारी माँ के बारे में नहीं सोच रहा. मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ. मुझे तुम्हारी ज़रूरत है. हिज फादर वॉज वेरी पेनफुल एट दैट टाइम कि वो क्या करेंगे अकेले. शी लुक्ड एट हिम क्विकली एंड हर हार्ट ट्विस्टेड विद पिटी. उसका दिल तर्स के मारे उसका दिल जो है वो मुड़ गया. ही डिड नीड हर. ही वुड नीड हर मोर देन एवर. वाकई उसके फादर को उसकी ज़रूरत है पहले से कहीं ज़्यादा. इन द कार शी सेट वेरी क्लोज टू हिज टू हर फादर. अपने फादर के बहुत नज़दीक बैठी. वी जस्ट डिडंट गेट द क्लैम्स शी रिमाइंडेड हिम वंस बट ही ओनली नॉडेड. हमने तो वो सी फूड लिया ही नहीं है. उसने उसे याद कराया और उसने सिर्फ सर हिला दिया. जस्ट बिफोर दे रीच्ड होम ही रीच्ड ओवर एंड टुक हर हैंड इन अ टाइट हर्टिंग ग्रिप. जब वो घर पहुँचे वो ही रीच्ड ओवर एंड टुक हर हैंड इन अ टाइट हर्टिंग ग्रिप. वी कांट टेल हर मिंटा. जब वो घर पहुंचे तो फौरन उसके फादर ने उसका हाथ टाइटली पकड़ लिया मिंटा का और कहा कि मिंटा हम उसको नहीं बता सकते. द डॉक्टर लेफ्ट इट अप टू मी एंड आई सेड नॉट टू टेल हर. डॉक्टर ने मुझे कहा है. डॉक्टर ने सिर्फ मुझे बताया है और मैंने उसे कहा था डॉक्टर को कि मैं अपनी वाइफ को नहीं बताऊंगा. वी हैव टू लेट हर हैव दिस लास्ट टाइम दिस लास्ट लिटिल टाइम विदाउट दैट हैंगिंग ओवर हर. हमें उसको ये आखिरी ये जो छोटा कुछ मुख्तसर वक्त हमारे पास रह गया है विदाउट दैट हैंगिंग ओवर हर मीन्स के हम उसको तकलीफ देने की बजाय हम उसको उसके साथ रहेंगे. वी हैव टू गो ऑन एज इफ एवरी थिंग वर एग्जैक्टली द सेम. हमें आगे बढ़ना होगा इस अंदाज से कि सब कुछ नॉर्मल है. शी नॉडेड टू शो दैट शी अंडरस्टूड. उसने सर हिला दिया कि वो समझ गई है. आफ्टर अ मोमेंट शी स्पोक पास द एक इन हर थ्रोट अबाउट स्कूल. आई टेल हर दैट आई डिसाइडेड टू वेट अनटिल नेक्स्ट ईयर. और स्कूल के बारे में जब अगर मदर पूछेंगी माँ मुझसे पूछेंगी कि तुम क्यों नहीं जा रही तो मैं उसे बताऊँगा कि मैं अगले साल ज्वाइन कर लूँगी. इट सीम्ड इम्पॉसिबल दैट लाइफ कुड गो ऑन एग्जैक्टली एज बिफोर. और मिंटा के लिए अब ये नामुमकिन नज़र आ रहा था कि जिंदगी पहले की तरह नॉर्मली गुजरेगी. द स्मॉल प्राइवेट वर्ल्ड पीपल्ड बाई द थ्री ऑफ देम वॉज एज स्नग एंड वार्म एंड हैप्पी एज दो नो शेडो हैड टच्ड देम. वो कहती है कि ये जो जिंदगी के उनके ये जो छोटे मोटे दिन हैं ये छोटा सा जो उनका घर है तीन लोगों पर मुश्तमिल वो कितना खुश कितना गर्म कितना कोजी कंफर्टेबल है. स्नग मींस बहुत कंफर्टेबल कितना आरामदेह ये घर है उनका.
कितना खुशहाल है कि कोई साया जो है आज तक उसने उनको नहीं छुआ। दे वॉच टेलीविजन, आर्ग्यूड गुड नेचरली अबाउट द प्रोग्राम्स, उन्होंने टीवी देखा और खुशी से अच्छे अंदाज में उन्होंने प्रोग्राम्स को डिस्कस किया। मिंटास फ्रेंड्स केम एंड वेंट एंड देयर वाज द यूजुअल राउंड ऑफ पार्टीज एंड गेम्स। मिंटा की दोस्तें भी आईं और गईं और फिर पार्टीज होती रहीं, गेम्स खेलते रहे। आई रियली मस्ट गेट एट माई क्रिसमस शॉपिंग, शी मैंशनड द डे शी वॉज रैपिंग ट्रिक और ट्रीट कैंडी फॉर हेलोवीन। वो कहती है कि मुझे फ़ौरन गेट एट मीन्स रीच, फ़ौरन मुझे जाना चाहिए और क्रिसमस शॉपिंग करनी चाहिए। शी मैंशनड द डे शी वॉज रैपिंग ट्रिक और ट्रीट कैंडी फॉर हेलोवीन। वो ट्रिक और ट्रीट एन एक्टिविटी इन विच चिल्ड्रन ड्रेस अप एज मैजिकल। हेलोवीन के लिए ट्रिक और ट्रीट का ये था कि जिसमें बच्चे जो होंगे वो ऐसे मैजिकल या कोई फ्राइटनिंग किस्म के लिबास पहनेंगे या अपना फेस फ्राइटनिंग बनाएंगे, ड्राउने फेस बनाएंगे। मिंटा शुक हर हेड एंड साइड गस्टली सडन बर्स्ट। मिंटा ने अपना सर हिला दिया और एक जोरदार आह भरी। हर मदर स्टार्टेड दिस, आई मस्ट गेट एट माई क्रिसमस शॉपिंग रूटीन एवरी स्प्रिंग एंड फॉलोड इट अप अनटिल आफ्टर थैंक्स गिविंग, बट शी नेवर एक्चुअली गॉट अराउंड टू इट अनटिल 2 or 3 days बिफोर क्रिसमस। हर मदर स्टार्टेड दिस कि मुझे अपनी क्रिसमस की शॉपिंग स्टार्ट करनी है। इट रूटीन एवरी स्प्रिंग, वो कहते हैं कि हर साल हर स्प्रिंग में मेरी मदर के ये अल्फाज होते थे, आई मस्ट गेट एट माई क्रिसमस शॉपिंग। और फिर उस वक्त तक वो एक्टिव रहती थी जब तक थैंक्स गिविंग जो होता था, यानी जब सब कुछ ख़त्म होता था और अल्लाह का शुक्र अदा करके, बट शी नेवर एक्चुअली गॉट अराउंड टू इट अनटिल टू गॉट अराउंड मीन्स परसुएड इट अनटिल 2 or 3 days बिफोर क्रिसमस। It was amazing that Minta could laugh and say, "Oh, you!" The way she did year after year. और फिर ये है कि मिंटा ने कहा कि ये बहुत हैरान कन बात है। मिंटा कुड लॉफ एंड से, वो हंसती और कहती, ओ यू द वे शी डिड ईयर आफ्टर ईयर, हर साल के बाद आप यही बात करती हैं। इट वॉज अ नाइफ टर्निंग इन हर हार्ट व्हेन हर मदर स्ट्रेटेंड अप फ्रॉम द गे सेलोफेन रैप्ड कैंडीज एंड ब्रश्ड अ स्ट्रे विस्प ऑफ टफी कलर्ड हेयर बैक फ्रॉम वन फ्लश चीक। और फिर उसके दिल पे जैसे छुरी चल गई, एक चाकू चल गया कि जब उसकी मदर बिल्कुल यू सीधी होके खड़ी हुई, सेलोफेन रैप्ड लाइक ट्रांसपेरेंट रैपिंग ऑफ कैंडीज और प्लास्टिक, कैंडीज जो थी वो प्लास्टिक के पैक्स में वो रैप कर रही थी। ब्रश्ड अ स्ट्रे विस्प ऑफ टैफी कलर्ड हेयर, टैफी कलर्ड पिंकिश कलर हेयर को वो एक तरफ से अपने चीक से पीछे, यानी वो इतनी बिजी थी रैपिंग में, प्लास्टिक्स में वो कैंडीज को रैप करी थी ताकि वो नज़र आए, बहुत खूबसूरत कलरफुल नज़र आ रही थी वो कैंडीज़। और फिर उसने जैसे ही वो ऊपर हुई और अपने चीक से एक तरफ से अपने बालों को पिंकिश कलर के जो उसके बाल थे उनको हटा के पीछे फेंका। डोंट लाफ शी सेड प्रिटेंडिंग टू बी स्टर्न, अब वो ये जाहिर कर रही थी कि वो बहुत सीरियस है। You are just exactly like me. वो सीरियस होके कहती, तुम्हें पता है तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। इट वॉज़ अ वार्मिंग दो, ये बहुत ही पुरजोश किस्म का की बात थी। शी वॉज़ लाइक हर मदर, वो अपनी माँ की तरह थी। इन साइड वेयर इट रियली मैटर्ड शी वॉज़ लाइक हर मदर, अंदर से यानी उसकी जो नेचर थी ना वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह थी। इवन दो शी हैड हर फादर्स डार्क आइज एंड स्ट्रेट ब्लैक हेयर, यहाँ तक कि उसकी जो फीचर्स थे, उसकी जो आंखें थी उसके फादर की तरह थी, सीधे जो ब्लैक कलर के बाल थे उसके फादर की तरह थे। इवन दो शी हैड हिज बिल्ड एंड the firm chain of all the hollies, और उसकी जो स्ट्रक्चर था, जिस्मानी स्ट्रक्चर और उसकी जो फर्म चेन थी वो हॉलीज फैमिली अपने ददेहाल की तरह, यानी अपने फादर की तरह की थी। शी वॉन्टेड टू, लेकिन अंदर से वो अपनी माँ की तरह थी। शी मीन्स टू से बाई नेचर, उसकी नेचर अपनी माँ की तरह थी। शी वॉन्टेड टू पुट हर आर्म अराउंड हर मदर एंड हग हर हार्ट, वो चाहती थी कि अपनी माँ के गिर्द बाजू घुमा दे और फिर उनको ज़ोर से हग करे, उनके गले लग जाए। शी वॉन्टेड टू से, आई होप आई एम लाइक यू, आई वॉन्ट टू बी, मुझे उम्मीद है मैं आपकी तरह हूँ, मैं आपकी तरह होना चाहती हूँ, वो ये कहना चाहती थी। बट इंस्टेड शी गॉट अप एंड स्ट्रेच्ड एंड रिंकल्ड हर नोज़, लेकिन बजाय इसके वो उठी, अपने अंगड़ाई ली और अपना नाक घुमाया। Parish forbid, she said, that I should be such a scatter brain. वो कहती है कि ओह हो, अल्लाह ना करे, मिंटा अपनी माँ को तंग करने के लिए कहती है, अल्लाह ना करे कि मैं इस तरह से भुलक्कड़ हूँ, आपकी तरह भुलक्कड़ हूँ। Parish forbid, God forbid, अल्लाह ना करे, drift
सॉरी स्कैटर ब्रेन, एब्सेंट माइंडेड हूँ, भूलने वाली हूँ. शी वॉज रिवॉर्डेड बाय द फ्लैश ऑफ अ डिम्पल इन हर मदर्स चीक. लेकिन ऐसा क्या कि उसने देखा कि उसकी मदर ने उसको जो रिस्पॉन्स दिया, उसकी मदर की चीक पे डिम्पल आ गया, यानी उसने स्माइल दी. इट सीम टू मिंटा एज वीक फॉलोड वीक. जैसे जैसे हफ्ता एक हफ्ते के बाद दूसरा गुजरता गया, दैट द डे एट द बीच हैड बीन समथिंग आउट ऑफ अ नाइट टू मेयर. वो जो दिन था बीच पे जब उसे इस बात का पता चला, वो एक ड्राउना ख्वाब था, समथिंग दैट शी कुड पुश अवे फ्रॉम हर एंड फॉरगेट अबाउट. ऐसी चीज़ थी कि वो चाहती थी वो उसको भूल जाए, वो उसे अपने दूर खुद से अलग करे ऐसी ऐसे खौफ को और इसके बारे में भूल जाए. समटाइम्स शी लुक्ड एट हर फादर लॉफिंग, टीजिंग दैम, हाउलिंग अबाउट द मंथ एंड बिल्स. बाज़ुकात वो अपने फादर को भी देखती थी, वो हंसते हुए देखती थी उसको और उसकी माँ को तंग करते हुए और या बोलते हुए बिल्स के बारे में. एंड शी थॉट इट डिडंट हैपन, इट इज़न्ट ट्रू. और वो सोचती थी कि ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सच नहीं है कि उसकी माँ जो है वो चली जाएगी. एंड देन एट नाइट शी वुड लाई स्लीपलेस इन हर रूम, द प्रिटी रूम दैट हैड बीन रिकन्वर्टेड फ्रॉम हर नर्सरी. और उस रात उसको नींद ना आई अपने कमरे में. उसका कमरा ऐसा था जो कि अभी उसकी नर्सरी से, यानी अब वो बड़ी हो चुकी थी, अब उसको कन्वर्ट कर दिया गया था उसकी दूसरी चीज़ों में, जब वो बड़े बड़े बच्चों को जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं. शी वॉच द मून लाइट ड्रिफ्ट पैटर्न्स अक्रॉस द येलो बेड स्प्रेड. और उसने अपने बेड पर देखा, जो उसकी बेड शीट थी, बेड स्प्रेड था, उस पे येलो कलर के ड्रिफ्ट पैटर्न्स होते हैं, ड्रिफ्ट कैरीड अवे बाय द एयर, बिखरे हुए फूलों का एक डिज़ाइन बना हुआ था. एंड द ब्रीज बिलो द कर्टन्स, और जो हल्की फुल्की हवा थी वो पर्दों को उड़ा रही थी, दैट हर मदर हैड मेड बाय हैंड, जो कि उसकी माँ ने अपने हाथ से बनाए थे. बिकॉज दैट वाज द ओनली वे शी कुड बी श्योर ऑफ एन एब्सोल्यूट मैच, क्योंकि वही वो अपने हाथ से सारे काम करती थी, क्योंकि उसे पता था कि सही मैचिंग क्या होती है. येलो इज सच अ डिफिकल्ट कलर टू मैच, शी हैड एक्सप्लेन अराउंड अ माउथ फुल ऑफ पिंस. और फिर उसने, क्योंकि एक दफ़ा उसकी माँ ने जब उसके लिए बेड शीट और वो कर्टन्स बना रही थी, तो उस टाइम जब उसके मुँह में पिंस थी, सुइयाँ उसके मुँह में थी डिफरेंट कलर, उस टाइम उसकी माँ ने कहा था कि येलो कलर के साथ मैचिंग करना बहुत मुश्किल होता है. एंड इन द डार्क आवर्स ऑफ द नाइट मिंटा हैड नोन इट वॉजेंट अ नाइट मेयर. और आधी रात को मिंटा के ऊपर एक खौफ तारी हो गया, उसे पता था ये एक ख्वाब नहीं है. इट वॉज ट्रू, ये सच है कि उसकी माँ उसको जल्दी छोड़ देगी. वन विंडी नवंबर डे शी हरीड होम फ्रॉम स्कूल एंड फाउंड हर मदर इन द यार्ड रेकिंग लीव्स. रेकिंग एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर ड्राइंग टुगेदर कट ग्रास और लीव्स. एक बड़ा सा एक पोल होता है जिसके आगे दंदानों की शक्ल की चीज़ लगी हुई होती है, जो कि सहन से या लॉन से सारे पत्ते, जो खुश्क पत्ते हैं उनको इकट्ठा करने के लिए, या जो जंगली ग्रास है, कटी हुई घास को इकट्ठा करके एक जगह इकट्ठा करने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, दैट इज़ कॉल्ड रेक. सो रेकिंग लीव्स, रेकिंग लीव्स. शी वोर अ ब्राइट कर्चीफ ओवर हर हेड. उसने अपने सर पे, एक दफ़ा जब मिंटा घर वापस आई, नवंबर का दिन था, उसने देखा कि उसकी मदर जो है वो ये पत्ते और घास इकट्ठे कर रही है, और वो उसने अपने सर पे एक बहुत ब्राइट कलर का रुमाल बांधा हुआ है, और मिंटा का ओल्ड पोलो कोट बेल्टेड अराउंड हर, मिंटा का कोट पहना हुआ है और जिसके जिस वेस्ट पे उसने बेल्ट बांधी हुई है. शी लुक्ड यंग, गे, केयर फ्री, आइज वर शाइनिंग. वो बहुत नौजवान, बहुत खुशहाल, बहुत केयर फ्री, गैर जो जिम्मेदार बंदा होता है, और उसकी आंखें बिल्कुल चमक रही थी. हाय, शी वेव द रेक इनवाइटिंगली. उसने वो डंडा जो है, वो जो रेक था, उसको हिलाया, जैसे कि वो उसको बुला रही है. चेंज योर क्लोथ्स एंड कम हेल्प. कपड़े चेंज करो और आ जाओ मदद के लिए. वील हैव अ स्मज पार्टी इन द एल ए, नैरो स्मज पार्टी, स्मोल्डरिंग मैस, यानी वो जो सुलगती हुई, जो उसने पत्तों को आग लगाई हुई लगाना था, वो कहती है कि हम स्मोल्डरिंग मैस, हम लोग इकट्ठा करेंगे, उसको आग लगाएंगे इन पत्तों को. एंड इन द एली अ नैरो पैसेज बिटवीन और बिहाइंड बिल्डिंग्स. एली इज यानी कि हमारे घर के पीछे या घर के साथ ही एक छोटा सा नैरो पैसेज होना, एक तंग सा रास्ता होता है बिहाइंड, जो कि बिल्डिंग्स के दरमियान में होते. कहती है हम ये सारे पत्ते वहाँ ले जाएंगे और वहाँ पर इनको जलाएंगे. वील हैव स्मज पार्टी. मिंटा स्टॉप्ड एंड लीन्ड ऑन द गेट. She saw with a new awareness that there were dark circles under her mother's eyes and that the flags of color in her cheeks were too bright. उसने एक नई चीज़ आज देखी, ऑब्जर्व की. उसने कहा कि उसकी मदर की जो आंखें हैं उनके नीचे डार्क सर्कल्स आ गए हैं, और उसकी जो चीक्स के डिफरेंट कलर्स हैं वो बहुत
रोशन है और ज़्यादा ब्राइट हो गए हैं, लेकिन डार्क सर्कल्स उनमें बहुत वाजे नज़र आ रहे हैं, बट शी मैनेज्ड अ चकल, लेकिन उसने फिर भी उसने मुश्किल से एक स्माइल दी. आई विश यू कुड सी योर सेल्फ मॉम, फॉर टू सेंस आई गेट माई कैमरा एंड टेक अ पिक्चर ऑफ यू. मेरी ख्वाहिश है कि आप अपने आप को देखें, इस वक्त आप कैसी लग रही हैं. मैं अभी अपना कैमरा लाती हूँ और फिर मैं आपकी पिक्चर बनाऊँगी. फॉर टू सेंट्स आई वुड गेट माई, आई थिंक आई वुड गेट माई कैमरा, कि मुझे अपना कैमरा लाना चाहिए और आपकी पिक्चर बनानी चाहिए. शी रैन इन टू द हाउस एंड गॉट हर कैमरा एंड टुक अ होल रोल ऑफ पिक्चर्स, और उन्होंने बहुत ज़्यादा तस्वीरें बनाई. गुड, हर मदर सेड कम्प्लेसेंटली. कम्प्लेसेंटली फीलिंग सेटिस्फाइड, उसकी मदर ने बहुत इत्मीनान से कहा, नाउ वी कैन शो देम टू योर फादर द नेक्स्ट टाइम ही एक्यूजेज मी ऑफ बीइंग अ सैली सिट बाय द फायर. और अगले मैं आपके फादर को बताऊंगी जो मुझ पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि नेक्स्ट सिटिंग नेक्स्ट टू द फायर, कि मैं हमेशा आग के पास बैठी रहती हूँ. दे पाइल्ड द लीव्स इनटू अ ह्यूज डैम स्टैक विद द हेल्प ऑफ हाफ अ डजन नेबरहुड चिल्ड्रन. स्टैक इज़ अ पाइल, एक गट्ठा. उन्होंने एक डैम स्टैक बनाया, ह्यूज उन्होंने पत्तों का एक गट्ठा सा बनाया विद द हेल्प ऑफ हाफ अ डजन नेबरहुड चिल्ड्रन, और बहुत से बच्चे भी, नेबरहुड चिल्ड्रन भी थे, और तकरीबन 6-7 बच्चे थे उनकी मदद से. इट वुडन बर्न प्रॉपरली बट गेव आउट विद क्लाउड्स ऑफ थिक ब्लैक वंडरफुली पंजेंट स्मोक. और चूंकि ये गीले पत्ते थे, ये इतने अच्छे तरीके से जले तो ना, लेकिन एक स्मोक निकलती रही, पंजेंट स्मोक विच हैज़ स्ट्रॉन्ग स्मेल. Her mother was tired that night. She lay on the Devonport and made out her Christmas card list while Minta and her father watched the wrestling matches. Uski mother us raat bahut thak gayi thi. Devonport, a large upholstered sofa, often convertible to bed, jaise sofa cum bed type cheez thi, uske upar wo let gayi. Aur phir bhi us pe letti wo Christmas card ki list banane lagi ki kis kis ko is saal wish karna hai. जबकि बाप बेटी दोनों रेसलिंग मैचेस देख रहे थे. इट वाज लाइक अ थाउजेंड अदर सच इवनिंग्स, बट इन सम अनअकाउंटेबल वे इट वाज डिफरेंट. लेकिन आज की शाम बहुत मुख्तलिफ थी. बिकॉज इट्स द लास्ट टाइम, मिंटा टोल्ड हरसेल्फ, द लास्ट टाइम वील एवर रेक द लीव्स एंड मेक अ बोन फायर इन द एली. वो कहते कि ये आखिरी शायद शाम थी कि हम इस तरह पत्तों को इकट्ठा करके उनको आग जलाते थे, बोन फायर करते थे एली में. द लास्ट टाइम आई स्नैप अ पिक्चर ऑफ हर विद हर आर्म्स अराउंड द कैली किड्स. और वो कहती कि आखिरी दफ़ा मैंने उसकी तस्वीर बनाई, वो जो बच्चे आए हुए थे उनके कैली किड्स के साथ वो खड़ी थी, उनके विद हर आर्म्स अराउंड, उनके बच्चों को अपने ग्रिप में करके खड़ी थी और मैंने उनकी तस्वीर बनाई. द लास्ट टाइम, द लास्ट टाइम. शी गॉट अप क्विकली एंड वेंट आउट इन टू द किचन एंड मेड पॉपकॉर्न इन द इलेक्ट्रिक पॉपर, ब्रिंगिंग अ बोल टू हर मदर फर्स्ट, रिमेंबरिंग जस्ट द वे शी लाइक्ड इट, साल्ट एंड नॉट टू मच बटर. वो पॉपकॉर्न्स बना के ले आई, फिर सबसे पहले अपनी मदर को सर्व किया. उसे पता था कि उसकी मदर को पसंद है नमकीन पॉपकॉर्न्स पसंद है, लेकिन इतना ज़्यादा जिस पे बटर ना हो, मक्खन ना हो. बट दैट नाइट शी वेकेंड इन द चिली डार्कनेस ऑफ अ रूम एंड बिगेन टू क्राई सॉफ्टली, हर हेड बरीड इन द कर्व ऑफ हर आर्म. एट फर्स्ट इट हेल्प लूजनिंग द टाइट बैंड्स अबाउट हर हार्ट, वॉशिंग अवे द फियर एंड द लोनलीनेस, बट वेन शी ट्राइड टू स्टॉप शी फाउंड दैट शी कुडन. उस रात वो अपने कमरे की तारीकी में बहुत रोई. शी बेरीड हर, अपने सर को उसने अपने बाजुओं में दबा लिया और वो रोती रही. उससे काबू ना हुआ, उसने वो कंट्रोल ना कर सकी, और वो चाहती थी कि वो उस खौफ को, उस अकेलेपन को इन आंसुओं में बहा दे, दूर कर दे, लेकिन उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो ऐसा ना कर सकी. ग्रेट रैकिंग सॉब्स, रैकिंग पेनफुल, बहुत ही जो तकलीफ दे आहें थी, सॉब्स मीन आहें, शुक हर अनटिल ही कुड नो लॉन्गर स्मॉदर देम अगेंस्ट हर पिलो. वो उसको इस तरह से हिला दिया कि वो रोक ना सकी, और उसके जो अपने उसने अपने मुंह को अपने सरहाने में दबा भी लिया, फिर भी उसकी आहों की आवाज़ ऊंची होने लगी. एंड देन द लाइट वॉज ऑन एंड हर मदर वॉज देयर बेंडिंग ओवर हर, हर फेस कंसर्न, हर वॉइस सूदिंग. अचानक उसके कमरे की लाइट ऑन होगी, उसकी मदर आ गई, उसकी मदर को उसकी आवाज़, ऑल दो शी वॉन्टेड टू सप्रेस दैट सॉब्स एंड दैट वॉइस, वो अपने रोने की, तकलीफ दे रोने को की आवाज़ को अपने पिलो में, अपने सरहाने में दबाना चाहती थी, लेकिन ऐसे ना हो सका. वो इतनी तकलीफ से रोई कि उसकी आवाज़ें आने लगी
लगी और उसकी मदर ने फौरन लाइट ऑन की, उसके पास आ गई, उसके ऊपर झुकी और नो नो डार्लिंग व्हाट इज़ इट, वेक अप बेबी, यू आर हैविंग अ बैड ड्रीम, उठ जाओ, तुम्हें बुरा ख्वाब आ रहा है, नो नो इट इज़ इंट अ ड्रीम, मिंटा चोक्ड। मिंटा के गले में एकदम से आवाज़ फंस गई कि वो कहने लगी कि नहीं, ये ख्वाब नहीं है, इट्स ट्रू, इट्स ट्रू। द थिन हैंड केप्ट स्मूदिंग बैक हर टम्बल्ड हेयर एंड हर मदर वेंट ऑन टॉकिंग इन द टोन शी हैड ऑलवेज यूज्ड टू कम्फर्ट अ मच स्मॉलर मिंटा। उसकी मदर उसके बालों को उसके जो शोल्डर्स पे फैले हुए थे उनको पीछे हटा रही थी और वो ऐसी टोन में बात कर रही थी कि वो छोटी सी मिंटा को आराम पहुंचा रही है। ऐसा लग रहा था कि छोटी मिंटा बहुत ही छोटी है और उसकी मदर उसको सूद करने की कोशिश कर रही है। She was aware that her father had come to the doorway. She said nothing, just stood there watching them while Minta's sobs diminished into hiccupy sighs. उसने देखा, वो जानती थी कि उसके फादर भी दरवाजे में खड़े हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं लेकिन वो ना बोले, जबकि मिंटा की जो आहें थी, जो कराह की आवाज़ थी, वो एकदम से हिचकियों में बदल गई। हर मदर पुल्ड द ब्लैंकेट अप ओवर मिंटाज शोल्डर एंड गेव हर अ लिटिल स्पैंग। उसकी मदर ने उसके ऊपर कंबल डाला और उसको हल्का सा थपथपाया। द आइडिया गॉलीवॉग्स एट योर एज, शी सेड रिप्रूविंगली। और फिर उसने डिसअप्रूव करते हुए कहा, अ डॉल विद एग्जेजरेटेड फीचर्स, यूजुअली अ रैग डॉल, ड्राउनी किस्म की गुड़िया जिसके फीचर्स, नाक भी थोड़ी बड़ी होती है, आइज बड़ी होती हैं, गॉलीवॉग्स। द आइडिया गॉलीवॉग्स एट योर एज, शी सेड रिप्रूविंगली। वॉन्ट मी टू लीव द लाइट ऑन इन केस योर स्पूक कम्स बैक। तुम्हें शायद तुम्हारी एज के बच्चे जो होते हैं, लड़कियाँ जो होती हैं, उनको इस तरह की ड्राउनी ख्वाब आते हैं जिसमें इस तरह की गुड़िया जिसके जो फीचर्स होते हैं वो बदले हुए होते हैं, इस तरह के ख्वाब देखती हैं। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे कमरे की लाइट ऑन रखूं? योर स्पूक कम्स बैक, योर फियर, स्पूक फियर तुम्हारा, ताकि डर जो है वो वापस चला जाए। मिंटा शुक हर हेड, ब्लिंकिंग अगेंस्ट द टीयर्स दैट क्राउडेड अगेंस्ट हर आईलिड्स, इवन मैनेजिंग अ वॉबली स्माइल। लेकिन मिंटा जो थी उसने अपना सर हिला दिया और अपने जो आंसू थे वो साफ किए जो कि उसकी आईलिड्स के इर्द गिर्द मौजूद थे। इवन मैनेजिंग अ वॉबली स्माइल, वॉबली स्माइल अनस्टेडी, अनस्टेबल स्माइल, ऐसी जो कि वो कायम ना रख सकी। शी नेवर क्राइड अगैन, और उसके बाद वो कभी ना रोई, नॉट इवन वेन द एम्बुलेंस केम अ वीक लेटर टू टेक हर मदर टू द हॉस्पिटल। उस वक्त भी नहीं जब एम्बुलेंस आई और उसकी मदर को हॉस्पिटल ले गई, नॉट इवन वेन शी वॉज स्टैंडिंग बिसाइड हर मदर्स हाई वाइट हॉस्पिटल बेड, होल्डिंग हर हैंड टाइटली, फोर्सिंग हर सेल्फ टू चैटर ऑफ इनकॉन्सिक्वेंशियल थिंग्स। उस वक्त भी नहीं जब उसकी मदर ने बड़े हॉस्पिटल बेड पर पड़ी थी, उसका हाथ जोर से पकड़ा हुआ था और वो ज़बरदस्ती वो अपने आप को हिम्मत कर रही थी कि वो कुछ चीज़ों के बारे में, इनकॉन्सिक्वेंशियल अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स के बारे में बताना चाह रही थी। बी श्योर दैट योर फादर टेक्स हिज विटामिन पिल्स, वोंट यू मिंटा। मिंटा तुम्हें इस बात का ख्याल रखना, इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे फादर ने विटामिन पिल्स ले ली हैं। ये सो केयरलेस अनलेस आई एम देयर टू कीप एन आई ऑन हिम, वो खुद बहुत ही गैर मोहतात है, मैं वहाँ पे होती हूँ और मैं उन पे नज़र रखती हूँ। आई विल वॉच हिम लाइक अ बीगल, मिंटा प्रॉमिस लाइटली। मिंटा ने कहा कि मैं एक बीगल की तरह, बीगल इज़ अ स्मॉल हाउंड ऑफ अ ब्रीड विथ शॉर्ट कोट यूज फॉर हंटिंग हेयर्स हु आर फ्रेंडली लॉयल एंड लविंग। एक छोटा सा डॉग होता है जो कि घर में रखा जाता है, उसको कोट पहनाया जाता है और जो कि ये खरगोश के शिकार के लिए मुफीद होते हैं, लेकिन वो बहुत फ्रेंडली होते हैं, लॉयल होते हैं, लविंग होते हैं। ये ब्रीड बीगल के जो डॉग्स होते हैं, ये जो ब्रीड होती है, ये बहुत लविंग भी होते हैं। तो वो कहती है, आई एक्ट लाइक अ बीगल, मिंटा प्रॉमिस लाइटली। नाउ यू बिहेव योर सेल्फ एंड गेट आउट ऑफ हियर इन अ हरी, यू हियर। और फिर अब तुमने ख्याल रखना है और अब जल्दी से यहाँ से चली जाओ, तुम सुन रही हो। नॉट इवन एट द फ्यूनरल द फ्रेंड्स रिलेटिव्स केम एंड वेंट एंड इट वॉज एज इफ शी स्टूड ऑन अ साइड लाइन वॉचिंग द मिंटा हु talked with them and answered their questions as if her heart were encased in a shell that kept it from breaking. जब funeral पे भी, जनाजे पे भी जब लोग आए, friends आए, relatives आते गए, वहाँ खड़े हुए Minta से सवाल पूछते रहे उसकी mother के बारे में, उसकी illness के बारे में, different questions करते रहे और वो उनको जवाब देती रही। As she was on the sidelines, sideline means अलग खड़े, not a part of something, वो अलग से खड़ी थी और लोग उससे पूछते जा रहे थे। ऐसे लगता था कि उसका दिल जो है वो अब एक डिब्बी में बंद हो चुका है और वो टूटने से बच गया है। शी वेंट टू स्कूल एंड केम होम आफ्टरवर्ड्स टू द एम्प्टी हाउस। फिर वो स्कूल भी चली गई और फिर वापस आई तो एक खाली घर था। शी ट्राइड टू डू द थिंग्स हर मदर हैड डन बट इवन विद द हेल्प ऑफ वेल मीनिंग फ्रेंड्स एंड नेबर्स इट वॉज हार्ड। उसने वो सब काम करने की कोशिश की है जो उसकी मदर करती थी,
इवन उसने दोस्तों को भी हेल्प के लिए बुलाया, नेबर्स को भी, लेकिन वो सबकी मदद से भी वो ना कर सकी जो उसकी माँ अकेली किया करती थी. शी ट्राइड नॉट टू हेट द पीपल हु अर्ज्ड हर टू क्राई. और उसने बस लोगों ने उसको उसको मजबूर किया कि वो रोए, उसको ऐसी बात उसको तकलीफ़ दे बातें करते थे कि वो अब अपनी मदर के बगैर कुछ भी नहीं है, लाइक मतलब इस तरह से कि बातें दुख भरी बातें करते थे कि ताकि वो रोए. यू विल फील बेटर डियर, हर आंट ग्रेस हैड इंसिस्टेड. उसकी भी आंटी जो ग्रेस थी उन्होंने कहा कि तुम ठीक हो जाओगी. एंड देन हैड लिफ्टेड हर हैंडकरचीफ टू हर आइज़, और फिर रुमाल अपनी आंखों पर रख के रो दी. एंड वॉकड अवे वेन मिंटा हैड ओनली स्टेयर्ड एट हर विद चिलिंग इंडिफरेंस. और वो फिर चली गई जब मिंटा बहुत सर्द महरी से उनको देखती रही. मिंटा ना रोई. शी ओवर हर्ड पीपल टॉकिंग अबाउट हर मदर. वो लोगों की बातें सुन सकती थी जो उसकी माँ के बारे में बातें कर रहे थे. शी नेवर न्यू, डिड शी, दे आस्ट. वो कभी नहीं जानती थी अपने मौत के बारे में, क्या वो जानती थी? एंड ऑलवेज मिंटाज़ फादर आंसर्ड नो. और मिंटा के फादर जवाब देते थे कि नहीं, शी नेवर न्यू, वो कभी नहीं जानती थी. इवन एट द वेरी लास्ट व्हेन शी वाज वेटिंग फॉर द एम्बुलेंस टू कम, इवन आखिरी वक्त जब एम्बुलेंस आ रही थी उसको लेने के लिए, शी लुक्ड अराउंड द बेडरूम. और उसने बेडरूम को बेडरूम पे नज़र दौड़ाई और कहा, आई मस्ट गेट दीज कर्टन्स डन अप बिफोर क्रिसमस. क्रिसमस से पहले मुझे चाहिए था कि मैं ये कर्टन्स भी चेंज कर देती. Minta knew that her father was worried about her and she was sorry, but it was as if there were a wall between them, a wall that she was too tired to surmount. Minta जानती थी कि उसके फादर उसके बारे में परेशान है और उसके फादर के दरमियान एक दीवार आ चुकी थी, एक ऐसी दीवार कि अब वो थक चुकी थी, वो उस दीवार को पार नहीं कर सकती थी, उसको ओवरकम नहीं कर सकती थी, उसको ख़त्म नहीं कर सकती थी उस दीवार को. वन नाइट ही केम टू द डोर ऑफ अ रूम वेयर शी वॉज स्टडियंग. एक रात वो जहाँ पे अपने कमरे में पढ़ रही थी, उसके फादर उसके कमरे में आए. I wonder if you would like to go through those cloths before your Aunt Grace takes them to the church bazaar, he began haltingly. And then when she looked up at him, not understanding, he went on gently, your mother's cloths, we thought someone might as well get a good out of them. Ek raat uske father uske room mein aaya, usse kaha ke tum jao apni ammi ke kamre mein aur unke kapdon ko dekho, unki cheezon ko dekho, kyunki Aunt Grace chahti hai ki wo unhe church bazaar mein le jaye aur zaruratmand logon ko de de jinko chahiye ho, jo unka behtar istemal kar saken. पहले उसे समझ ना आई तो उसके फादर ने फिर क्लियर किया, अपनी अम्मी के कपड़े जाके देखो और उनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लो. शी स्टूड अप एंड क्लोज द बुक एंड वेंट पास्ट हिम विदाउट अनदर वर्ड, बट शी क्लोज द डोर बिहाइंड हर व्हेन शी वेंट इनटू हर मदर्स रूम. जब अपनी अम्मी के कमरे में दाखिल हुई तो उसने दरवाज़ा बंद कर दिया. देर वर सम सूट बॉक्सेज बाय द क्लोज्ड डोर एंड मिंटा वेगली रिमेंबर्ड दैट द वेमेन फ्रॉम द बाजार कमेटी हैड कॉल्ड सेवरल टाइम्स. उसने कुछ सूट बॉक्सेस देखे क्लोजेड डोर के साथ. एंड मिंटा वेगली रिमेंबर्ड, मिंटा को हल्का फुल्का याद था कि कुछ औरतें जो हैं वो बाज़ार से, वुमेन फ्रॉम द बाज़ार कमेटी हैड कॉल्ड सेवरल टाइम्स, कि कुछ औरतें जो हैं जो जिन्हें वो चर्च बाज़ार से बहुत दफ़ा कॉल्स भी आ चुकी हैं इस बारे में कि वो कुछ देना चाहते हैं अगर तो. हर हैंड्स फेल्ट स्लाइटली अनस्टेडी एज शी पुल्ड ओपन द टॉप ड्रेसर ड्रॉर एंड लुक डाउन एट द स्टैक्स ऑफ क्लीन हैंडकरचीफ. और उसने देखा कि उसने जब ऊपर वाला ड्रॉर खोला, सबसे ऊपर वाला, तो उसने देखा कि स्टैक्स मीन्स बहुत ज़्यादा पाइल, स्टैक ऑफ पाइल्स ऑफ क्लीन हैंडकरचीफ, रुमाल, साफ रुमाल पड़े हुए थे, स्टॉकिंग्स उसकी जो सॉक्स थी, उसकी जो टाइट्स थे, इन देयर क्विल्टेड सेटन केस, बहुत खूबसूरत नरम सॉफ्ट सेटन के जो सिल्क के डिब्बे थे उनके अंदर उनको खूबसूरती से तय करके रखा था. द ग्लव्स फोल्डेड इनटू टिश्यू रैपिंग्स, उसके जो ग्लव्स थे वो टिश्यू रैप्स में बहुत ही सलीकामंदी से रैप करके रखे हुए थे. आई कैन डू इट, शी टोल्ड हरसेल्फ, बट शी गॉट अ बॉक्स एंड स्टार्टेड पुटिंग द थिंग्स इनटू इट. उसने एक बॉक्स लिया, वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं अपनी मदर की चीज़ों को कैसे दूर कर दूं. लेकिन फिर उसने एक बॉक्स लिया, चीज़ों को उनमें डालना शुरू कर दिया. ट्राइंग नॉट टू लुक एट देम, ट्राइंग टू फॉरगेट हाउ डिलाइटेड हर मदर हैड बीन विद द पेल ग्रीन स्लिप, ट्राइंग नॉट टू रिमेंबर. वो कुछ भी नहीं याद करना चाहती थी इन चीज़ों से रिलेटेड. उसको याद, वो नहीं याद करना चाहती थी कि उसकी मदर को, उसकी माँ को ये हल्के कलर की ग्रीन कलर की स्लिप कितनी पसंद थी, शर्ट कितनी पसंद थी. वंस शी हेजिटेटेड एंड ऑलमोस्ट लिफ्टेड अ सॉफ्ट वूल स्वेटर फ्रॉम द पाइल दैट वॉज ग्रोइंग इन द सूट बॉक्स. ही हैड बॉरोड इट, शी हैड बॉरोड इट सो ऑफन दैट हर मदर यूज टू कंप्लेन दैट शी फेल्ट लाइक अ क्रिमिनल एवरी टाइम शी बॉरोड इट बैक अगैन. उसे अपनी मदर का एक वूल, सॉफ्ट वूल का स्वेटर बहुत पसंद होता था और उसे याद है कि अक्सर वो अपनी माँ से ले लिया करती थी उधार थोड़ी देर के लिए पहनने के लिए.
और फिर उसकी जो माँ थी वो अक्सर ये शिकायत करती थी कि वो कभी लेती है वापस कर देती और दोबारा चोरों की तरह दोबारा उसको वापस मुजरमों की तरह दोबारा भी वापस मांग लेती है। शी डिडंट मीन इट दो, शी लव्ड हैविंग मिंटा बोरो हर थिंग्स। उनका ये कहने का वो मजाक करती थी, वो इस बात को पसंद करती थी कि मिंटा को उसकी चीज़ें पसंद हैं और वो उसकी चीज़ें लेके पहनती हैं। मिंटा पुट द स्वेटर विद द अदर थिंग्स एंड क्लोज द बॉक्स। मिंटा ने वो स्वेटर भी दूसरी चीज़ों के साथ रखा और उस डब्बे को बंद नाउ एंड फर्मली उस डब्बे को मजबूती से बंद कर दिया। नाउ द थिंग्स इन द क्लोजेट। अब वो कबर्ड की तरफ आई। ओपनिंग द डोर वॉज ऑलमोस्ट लाइक फीलिंग हर मदर इन द रूम बिसाइड हर। उसका दरवाज़ा खोलते हुए उसे ऐसे लगा जैसे उसकी मदर उसके साथ खड़ी हैं। अ फेंट परफ्यूम क्लंग टू मोस्ट ऑफ हर गारमेंट्स। क्योंकि उसके बहुत से कपड़ों के साथ से हल्की हल्की धीमी सी वो खुशबू आ रही थी। द हाउस कोट, द वुली रोब, द टैन पोलो कोट। वुली रोब वुलन क्लोक, एक चूहा था वूल का। टैन पोलो कोट, अ टेलर्ड ओवर कोट of 10 camel's hair with half belt on the back. The scarlet jacket, her new blue wool with the peg top skirt. Peg top skirt, fixed hanging top skirt on it. Minta started folding the things with almost frantic haste. उसने पागलों की तरह जल्दी जल्दी सारी चीज़ें फोल्ड करना शुरू कर दी। स्टफिंग दैम इन टू बॉक्स, उनको बॉक्सेज में घुसाना शुरू कर दिया। क्रैमिंग द लिड्स ऑन, ज़बरदस्ती और उन्हें बॉक्सेज में ऐसे घुसाया, चूँकि वो फिट नहीं आ रहे थे, ढक्कन बंद करना मुश्किल था, लेकिन उसने ज़बरदस्ती उन ढक्कन को बंद कर दिया। देन स्टार्टिंग ऑन अनदर बॉक्स, फिर दूसरे बॉक्स की तरफ चली गई। एट द वेरी बैक ऑफ द क्लोजेट वर द टू पीसेज ऑफ मैच्ड लगेज। और क्लोजेट के बिल्कुल पीछे उसने देखा कि दो बड़े बैग्स पड़े हैं, सामान पड़ा है। दैट हैड बीन हर मदर्स लास्ट बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम हर फादर। दे वर हैवी व्हेन शी ट्राइड टू मूव देम, टू हैवी। और ये उनके फादर ने उनको चूंकि गिफ्ट दिए थे, लेकिन वो इतने भारी थे कि उसको मूव करना बहुत मुश्किल था। शी ब्रॉट देम आउट इन टू द रूम एंड पुट देम साइड बाई साइड ऑन हर मदर्स बेड। उसने बाहर लाया और मदर के बेड के साथ उनको रख दिया। हर ब्रेथ कॉट इन हर थ्रोट व्हेन शी ओपन देम। और जब उनको खोला तो अचानक उसकी सांस जैसे रुक गई। डजन्स एंड डजन्स ऑफ बॉक्सेस all tied with bright red ribbon, the gift tags written out in her mother's careful script. darjano dabbe jo ke bright red ribbon unke upar था लगा हुआ था और गिफ्ट टैग्स लगे हुए थे, नेम टैग्स, जो कि उसकी मदर ने खूबसूरत हैंडराइटिंग में नाम भी लिख के छोड़े थे। गेली कलर्ड क्रिसमस स्टिकर्स, स्प्रिग्स ऑफ होली टू मिंटा फ्रॉम मदर एंड डैड। होली इज एवर ग्रीन श्रब, खूबसूरत बेल बूटे बने हुए थे। टू ग्रेस फ्रॉम मैरी, टू जॉन फ्रॉम मैरी, और यूँ नेम लिखे हुए थे। टू मिंटा फ्रॉम मदर एंड डैड, के मिंटा के लिए ये गिफ्ट पैक है फ्रॉम मदर एंड डैड। टू ग्रेस फ्रॉम मैरी, टू जॉन फ्रॉम मैरी, आंट ग्रेस के लिए भी गिफ्ट था, जॉन के लिए गिफ्ट था मैरी की तरफ से उसके हस्बैंड के लिए। टू द कैली ग्रैमलिन्स फ्रॉम आंट आंट मैरी, फिर उन बच्चों कैली के बच्चों के लिए था फ्रॉम आंट मैरी। टू अंकल आर्ट फ्रॉम द हॉली फैमिली, और अंकल के लिए पूरी हॉली फैमिली की तरफ से उन्होंने गिफ्ट, तमाम गिफ्ट्स उन पे टैग्स लगा के उन्होंने छोड़े हुए थे। सो यू न्यू, मिंटा विस्पर्ड द वर्ड्स, यू न्यू ऑल द टाइम। मिंटा ने एकदम से उसने सरगोशी की, अपने दिल मुंह में उसने कहा कि क्या तुम जानती थी, तुम जानती थी ये तमाम वक्त कि तुम मरने वाली हो। शी लुक डाउन इन सरप्राइज एज अ हॉट टीयर ड्रॉप्ड ऑन हर हैंड एंड शी डैश्ड इट अवे ऑलमोस्ट इम्पेशेंटली। उसने नीचे हैरानगी से सब कुछ देख रही थी कि उसके आंख से आंसू गिरा और उसने बेसब्री से उसको पीछे साफ किया। शी पिक्ड अप अनदर पैकेज एंड रेड द टैग टू मिंटा फ्रॉम मदर। दूसरा पैकेज खोला जिस पे लिखा था कि मिंटा के लिए उसकी मदर की तरफ से, और फिर आगे लिखा हुआ था विद लव, प्यार से, मोहब्बत से। विदाउट ओपनिंग इट शी न्यू दैट इट वॉज अ पिक्चर फ्रेम एंड शी रिमेंबर्ड द वे शी हैड टीज्ड हर मदर टू हैव अ गुड फोटोग्राफ टेकन। और वो कहती है कि उसे याद है उसने अपनी माँ को तंग किया था कि वो कभी भी उसकी अच्छी पिक्चर नहीं बनाती। द ओनली वन आई हैव ऑफ यू लुक्स लाइक अ फ्यूजिटिव फ्रॉम अ चेन गैंग, शी हैड पॉइंटेड आउट। और फिर उसने कहा कि मेरे पास एक ही तुम्हारी पिक्चर है, उसमें तुम ऐसी लग रही हो जैसे कि वो एक भगोड़ा होता है जो कि चेन गैंग मीन्स के जो डाकुओं के ग्रोह से भागा हुआ एक भगोड़ा होता है, अ पर्सन हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम, जो जेल से भाग जाता है। शी हैड पॉइंटेड आउट आई कॉन्ट वेरी वेल गो अवे टू स्कूल नेक्स्ट ईयर विद दैट। और फिर मैं इस चीज़ के साथ मैं अगले साल स्कूल नहीं जा सकूंगी। शी पुट द पैकेज बैक इन द सूटकेस विद ऑल द अदर्स एंड कैरीड द केसेस बैक इन टू द क्लोजेट। उसने सब वो केसेस सब कुछ वापस अलमारियों में बंद कर दिया। पुअर डैड, शी थॉट, शी नेवर न्यू, शी कुड हियर हिम सेइंग। वो अक्सर अपने बाप से
को ये सुनती थी उससे कि वो कभी नहीं जानती अपनी मौत के बारे में, नॉट इवन एट द लास्ट, आखिर वक्त में भी वो नहीं जानती थी कि वो मरने वाली है. मिंटा ओपन द बॉक्स बिसाइड द बेड एंड टुक आउट द स्वेटर एंड द पेल ग्रीन स्लिप. उसने वो बॉक्स खोला, स्वेटर निकाला, पेल ग्रीन हल्के रंग की ग्रीन कलर की शर्ट निकाली. यू नो परफेक्टली वेल दैट यू आर जस्ट एग्जैक्टली लाइक मी, शी रिमेंबर्ड हर मदर सेइंग. उस वक्त उसको अपनी माँ के अल्फाज याद आए, तुम जानती हो कि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो. शी ब्रश द टीयर्स अवे एंड वेंट डाउन द स्टेयर्स एंड आउट इन टू द चेयरलेस लिविंग रूम. उसने अपने आंसू साफ किए, भाग के सीढ़ियाँ उतर गई और उस लिविंग रूम में, सिटिंग रूम में चली गई जो बहुत ही नाखुश उदास सा था. आई वुड लाइक टू कीप दीज थिंग्स दैट शी सेड इन हर मोस्ट मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस. मैटर ऑफ फैक्ट मी means with determination, unemotional. She practically told her father that she would keep all the things of her mother. मैं अपनी माँ की तमाम चीज़ें अपने पास रखूँगी. And she showed him the sweater and slip. उसने sweater भी दिखाया, shirt भी दिखाई. The slip is a little big, but I'll grow into it. ये मुझ पर slip थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन मैं इसी में बड़ी हो जाऊँगी. It looks like her, I think. और ये मुझे पूरी आ जाएगी, ये बिल्कुल मेरी माँ की तरह लगती है, मेरा ख्याल है. She went around the room, snapping on the lamps, turning on the television. उसको एक, उसके अंदर एक एनर्जी आ गई, मिंटा के अंदर फौरन एक एनर्जी आ गई. वो फौरन कमरे में गई, तमाम लाइटें स्नैपिंग ऑन. स्नैप मींस विद अ शार्प क्रैकिंग साउंड. जोर जोर से उसने बटन दबाए लाइट ऑन करने के लिए, कि उन्होंने बहुत आवाज़ पैदा की उन बटन्स ने. स्नैपिंग ऑन द लैम्प, टर्निंग ऑन द टेलीविजन दैट हैड बीन साइलेंट फॉर सो लॉन्ग, जो बहुत अरसे से खामोश थे. शी वॉज अवेयर दैट हिज आइज फॉलोड हर. वो जानती थी उसके फादर उसको देख रहे हैं. दैट ही कुड हार्डली अवॉइड नोटिसिंग द टीयर स्टेन्स ऑन हर चीक्स, क्योंकि वो ही कुड हार्डली अवॉइड, और वो देख सकता था कि उसके चीक्स पे आंसुओं के निशान पड़े हैं. आई थिंक आई हैव एन एप्पल, शी सेड. वॉन्ट वन? मेरा ख्याल है कि मुझे सेब खाना है, उसने कहा. और फिर फादर से पूछा, आपको चाहिए? ही नोडेड. उसने रजामंदी में सर हिला दिए. श्योर, ब्रिंग मी वन एज लॉन्ग एज यू आर मेकिंग द ट्रिप. जब तुम जाओ तो मेरे लिए भी एक सेब ले आना. इट वॉज नेचुरल, इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक ओल्ड टाइम, एक्सेप्ट दैट द ब्लू चेयर बाय द फायर प्लेस वॉज वैकेंट. ये एक फितरी बात थी, ये वही पुराना वक्त था, वही पुराना वक्त जैसे लौट आया. और एक्सेप्ट दैट द ब्लू चेयर बाय द फायर प्लेस, और सिर्फ उसने देखा कि ब्लू चेयर जो आग के पास रखी हुई थी वो अभी खाली पड़ी है. शी वेंट आउट इन टू द किचन हरिडली. वो फौरन किचन की तरफ चली गई. आई टेल हिम दैट आई पेस्टर्ड मदर टू डू हर शॉपिंग अर्ली दिस ईयर. मैं उसे बताती हूँ कि मैंने अपनी माँ को कैसे टीज़ किया था, उसको तंग किया था कि इस साल वो क्यों इतनी जल्दी शॉपिंग कर रही है. शी टोल्ड हर सेल्फ एज शी गॉट द एप्पल्स फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर. जैसे ही उसने एप्पल्स निकाले तो उसने कहा कि मैं फादर को बताऊंगी कि इस दफा मैंने अपनी माँ को तंग किया था कि वो क्यों इतनी जल्दी क्रिसमस की शॉपिंग के लिए तैयार हो गई है. आई टेल हिम दैट इट वॉज माई आइडिया अबाउट द फोटोग्राफ्स. मैं उसे बताऊंगी कि ये मेरा ख्याल था फोटोग्राफ्स के मुतालिक, मैं उसकी फोटोग्राफ्स लूँ. शी वॉन्टेड हिम टू बिलीव दैट शी डिडेंट नो. वो चाहती थी कि उसे यकीन दिलाए कि वो नहीं जानती, कि वो नहीं जानती थी. द वाइटामिन पिल्स वर पुश्ड बैक ऑन अ शेल्फ. वाइटामिन की गोलियां जो थीं वो पीछे शेल्फ के पास ऊपर रखी हुई थी. शी टुक देम आउट ऑफ द रेफ्रिजरेटर, पुट देम ऑन द विंडो सिल. उसने रेफ्रिजरेटर से वो भी निकाली जो पीछे शेल्फ में घुसाई हुई थी, वो निकाल दी और सामने खिड़की इसकी सिल जो थी वो आगे किनारा था उस पर रख दी. वेयर शी वुड बी श्योर टू सी देम इन द मॉर्निंग, ताकि सुबह वो उनको देख सके. वेन शी केम बैक इन टू द लिविंग रूम शी नोटिस दैट अ लाइट इन अ क्रिसमस रीथ वॉज विंकिंग ऑन एंड ऑफ इन द कैलीज विंडो अक्रॉस द. जब वो कमरे में वापस आई, उस कमरे में जहां वो बैठने वाले कमरे में, उसने देखा कि दूर खिड़की में से क्रिसमस रीथ गजरा, क्रिसमस के में के जो फूलों का गजरा था उसके अंदर लाइटें ब्लिंक कर रही थी ऑन एंड ऑफ इन द कैलीज विंडो अक्रॉस द स्ट्रीट. जब उसने गली के उस पार देखा, कैली की खिड़की में ये क्रिसमस रीथ रखा हुआ था, ये फूलों का गजरा रखा हुआ था जिसके अंदर लाइट्स ऑन ऑफ हो रही थी. आई गेस वी शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट क्रिसमस डैड. और वो कहती उसके अंदर एक एनर्जी पैदा हो गई और उसने अपने फादर से कहा कि मेरा ख्याल है कि हमें अभी क्रिसमस के बारे में सोचना चाहिए. शी टॉस्ड हिम एन एप्पल. उसने एप्पल घुमा के उसकी तरफ फेंका एज शी स्पोक एंड ही कॉट इट डेफ्टली. और उन्होंने जल्दी से उस एप्पल को पकड़ लिया. शी हेजिटेटेड फॉर जस्ट अ मोमेंट. एक लम्हे को वो थोड़ा हिचकिचाई एंड देन वॉकड ओवर एंड सैट डाउन इन अ ब्लू चेयर बाय द फायर. आग के साथ वो उस नीली कुर्सी पर बैठ गई एज इफ शी बिलोंग देयर, जैसे ये उसी की कुर्सी है. एंड लुक्ड अक्रॉस एट हर फादर एंड स्माइल्ड. और अपने बाप को देखा और मुस्कुरा दी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर
इट गेव मिंटा अ न्यू स्ट्रेंथ इमिजिएटली। वो इतनी एंड पे जिम्मेदार हो गई कि वो चाहती थी कि वो अपने फादर को बताए कि उसके फादर अगर ये बिलीव कर रहे हैं कि उसकी माँ को नहीं पता था कि वो बनने वाली है, तो मैं अपने फादर को इस बताऊंगी कि हाँ वो नहीं जानती थी। ये मैंने उसको उकसाया था कि क्रिसमस की शॉपिंग जल्दी की जाए, और मैंने उसको, और फिर वो नहीं, शी वॉन्टेड हिम टू बिलीव दैट शी डिडन नो। और फोटोग्राफ्स के बारे में भी मेरा ख्याल था कि हमें फ़ोटोग्राफ्स लेने चाहिए दिस एंड दैट, और वो चाहती थी कि अगर उसके फादर को ये यकीन है कि माँ नहीं जानती थी तो उसको ये यकीन कायम रहे। वो इतनी बड़ी हो गई, इतनी मैच्योर हो गई कि वो सब फैसले करने लग गई। उसने सब कुछ बोल्डली एक्सेप्ट कर लिया, और अपने फादर को भी कंफर्ट देने के लिए उसने कहा कि अगर फादर ये समझते हैं कि उसकी माँ नहीं जानती थी तो वो यही कहेगी कि हाँ वो नहीं जानती थी, ये तो उसकी मदर जल्दी नहीं कर रही थी क्रिसमस के लिए, ये मिंटा ने उसको कहा था ज़बरदस्ती कि हमें शॉपिंग करनी चाहिए। और फिर वो आती है अपने फादर की तरफ, एप्पल घुमा के फेंकती है और उसी ब्लू चेयर पे बैठ जाती है जिस पे उसकी माँ बैठती थी। ब्लू चेयर पे बैठना अपनी माँ की जगह लेना है, ये शो करता है कि मिंटा ने अपनी माँ की जगह ले ली, उसने वो तमाम जिम्मेदारियाँ संभाल ली जो उसकी माँ। Now, coming to the questions, how is the theme of From Mother with Love a universal theme present in literature across the cultures? The chapter From Mother with Love deals with the universal theme that death is imminent, ke maut barhak hai. Although we never want to part with our dear ones in life, but the time comes when death takes them away and we have to suffer the pain of separation. And this is a natural human trait. Kehte ek time aata hai, hamare jo kareebi log hote hain, wo hum maut unko humse dur le jaati hai. Aur hume ye separation, ilaadgi ka dukh bardasht karna padta hai. Ye kudrati, fitri amal hai insaan ka. But at the same time, we have to live tomorrow and the next day. Lekin उसी वक्त ये भी एक हकीकत है कि हमें जिंदा रहना होता है उन लोगों के बगैर। प्रूव आवर सेल्व्स टू बी लॉयल टू द वैल्यूज, लाइक्स एंड डिसलाइक्स वी शेयर्ड विद आवर डियर वंस। और हमें चाहिए भी कि हम जिंदा रहें, हम उन वैल्यूज़ को, उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स, उनको जो पसंद था, उनको नापसंद था, हम उन चीज़ों के साथ वफादार रहें। वी मस्ट लिव ऑन, हमें ज़िंदा रहना होता है, एंड बी फेथफुल टू एवरी थिंग दे मेंट फॉर अस। और उन बल्कि अच्छी तरह से ज़िंदा रहने का मतलब ये है कि वो जो करते थे हमें उन चीज़ों को अपनाना चाहिए। एज सून एज मिंटा रिकॉल्स हर मदर सेइंग, जैसे मिंटा को याद आता है कि उसकी मदर कहती थी यू नो परफेक्टली वेल दैट यू आर जस्ट एग्जैक्टली लाइक मी, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। शी स्नैप्स ऑन द लैम्प्स, टर्न्स ऑन द टेलीविजन। जैसे ही उसकी माँ के ख्याल उसको आता है तो वो फ़ौरन लैम्प्स ऑन कर देती है, टेलीविजन लगा देती है, इमिजिएटली टेक्स अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाउस होल्ड चोर्स, फ़ौरन से घरेलू कामों की जिम्मेदारी उठा लेती है, एंड आस्क सर डैड टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट क्रिसमस, और अपने फादर से कहती है कि वो क्रिसमस के बारे में सोचना शुरू कर दें। एज शी सीज द लाइट इन अ क्रिसमस रीथ, वो क्रिसमस का जो फूल बना हुआ होता है उसमें लाइट्स ऑन ऑफ होते हुए देख रही है, विच रिप्रेजेंट्स इटर्निटी। इट इज़ द सिंबल ऑफ इटर्निटी, अनएंडिंग सर्कल ऑफ लाइफ, कि जिंदगी चलती रहती है, जिंदगी कभी नहीं रुकती। इट सिंबलाइजेस ग्रोथ एंड एवरलास्टिंग लाइफ, ये आगे बढ़ने को सिंबलाइज कर रहा है, ग्रोथ को और हमेशा रहने वाली जिंदगी को। नाउ क्वेश्चन नंबर टू इज कमेंट ऑन द प्लॉट ऑफ द स्टोरी फ्रॉम मदर विद लव, यानी प्लॉट क्या है स्टोरी का। द प्लॉट ऑफ द स्टोरी गोज इन अ ब्यूटिफुल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। आप कहेंगे कि ये प्लॉट जो है खूबसूरत सीक्वेंस है इवेंट्स का, वाकयात का, वेयर ईच अफेक्ट्स द नेक्स्ट वन। हर एक इवेंट, हर एक वाकया दूसरे को इफेक्ट कर रहा है। द प्रिंसिपल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। इन द बिगिनिंग द एक्सपोजिशन इंट्रोड्यूसेस अस, जो फर्स्ट स्टेज है प्लॉट की वो हमें मिंटा हॉली से इंट्रोड्यूस कराती है, हु इज डिस्टर्ब्ड विद द मेमोरी ऑफ स्लैपिंग साउंड्स ऑफ द वेव्स, जो कि स्लैपिंग साउंड्स ऑफ द वेव से वो डिस्टर्ब है, जिसे लहरों की आवाज़ थप्पड़ों की तरह नजर आ रही है। द पंजेंट स्मेल ऑफ द बर्निंग लॉग्स, द गर्ल्स सोरिंग एंड स्वीपिंग ओवर हैड, बट मोस्ट ऑफ ऑल आर फादर्स फेस वैन ई टोल्ड हर समथिंग। अब ये चीज़ें जो है इनिशियल स्टेज जो है वो एक इफेक्ट पैदा कर रही है। अब उसका रीज़न, उसका कॉज बाद में सामने आएगा जब उसके फादर उसको बता रहे हैं। द राइजिंग एक्शन अकर्स व्हेन हर फादर टोल्ड हर शी मस्ट नॉट लीव फॉर डॉर्मिटरी एज हर मदर इज़ गोइंग टू डाई सून। फिर नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो राइजिंग एक्शन है प्लॉट का, जब उसके फादर उसको बताते हैं कि उसे इस दफ़ा हॉस्टल नहीं जाना क्योंकि उसकी मदर जल्द मरने वाली है, एंड इट बिकम्स अ नाइटमेयर फॉर हर। द प्लॉट रीचेज इट्स क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स कहाँ आता है, विद द डेथ ऑफ हर मदर, जब उसकी मदर की डेथ हो
जाती है एंड एम्पावरिंग सैडनेस इन द होम, और पूरे घर में उदासी छाई जाती है। द फॉलोइंग एक्शन सीज, और फिर फॉलोइंग एक्शन आता है, इट सीज मिंटा फुल ऑफ लाइफ टर्निंग ऑन लाइट्स एंड टेलीविजन। फॉलोइंग एक्शन में हम देखते हैं मिंटा फिर शी इज़ फुल ऑफ लाइफ, जिंदगी से भरपूर हमें नजर आती है। जब लाइट्स ऑन करती है टेलीविजन, शी बिकम्स रिस्पॉन्सिबल अबाउट हाउस होल्ड्स, घरेलू कामों के लिए वो बहुत जिम्मेदार नजर आती है। नोटिसेज लाइट इन द क्रिसमस रीथ एंड थिंग्स टू मेक प्रिपरेशन फॉर कमिंग क्रिसमस फेस्टिवल, और आने वाले क्रिसमस के त्यौहार के लिए वो तैयारियाँ शुरू करने का सोचना शुरू कर देती है। द प्लॉट इज वेरी सिंपल विद 3 कैरेक्टर्स ओनली एंड द readers are compelled to keep reading to satisfy conflict, और readers को यानी एक paragraph पढ़ के वो compelled होता है, मजबूर होता है कि वो आगे पढ़ता चला जाए ताकि उसके जो conflicts हैं वो resolve हों and answer different questions. Now question number 3 is identify the narrator or speaker of the story from mother with love. वो कहता है कि आप बताएं कि इस story का speaker कौन हो सकता है, कौन ये story बता रहा है। What I think is that Minta Holly is the narrator or speaker of the story from Mother with Love. Minta Holly जो है वो speaker है। क्यों? From the very beginning when she tells us that she remembers everything about that day with poignant clarity, बहुत sharp, वाजे तौर पे जो कि उदास कर देने वाली चीज़ है उस दिन के बारे में वो आज भी अच्छे तरीके से जानती है। The slapping sound of waves, pungent smell of logs, gulls that soared and swooped overhead, परिंदों की आवाज़ें जो उनके सरों के ऊपर घूम रहे थे, उड़ रहे थे। Most of all she remembered her father's face when he told her something. देखिए मिंटा खुद यहाँ पे conflict क्रिएट कर रही है। सो व्हाट आई थिंक इज दैट ऑल दो थर्ड पर्सन सिंगुलर इज यूज्ड हियर, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज किया गया कि शी इज डूइंग दिस, शी इज थिंकिंग अबाउट दैट, बट आई थिंक इज दैट शी इज द नरेटर। सेकेंडली द वेरी टाइटल फ्रॉम मदर विद लव, इट शोज द स्पीकर इज मदर्स डॉटर, तभी वो कह रही है कि फ्रॉम मदर विद लव, माँ की तरफ से प्यार से। इसका मतलब है कि डॉटर जो है शी इज नरेटिंग द स्टोरी। So very title from Mother with Love shows the speaker is mother's daughter or son who narrates the story. So here in this case she is a daughter who is narrating a story. Question number 4, analyze and comment on the character of Minta. In the beginning of the play we find Minta immature and carefree girl who enjoys to accompany her father to the beach. शुरू में तो हम मिंटा को बहुत carefree girl, बहुत immature है जो कि हमेशा enjoy करती है साइले समंदर पे जाना, swimming करना। She is keen to go to Mary Hill for the coming academic term and continue her study. वो इस दफ़ा बहुत बेचैन है कि वो Mary Hill जाएगी, college जाएगी, और फिर इस दफ़ा वो hostel में रहेगी, वो अगला जो academic term है उसको join करेगी। But most of all she muses on the idea of having fun in the campus while living in dormitory. सबसे ज़्यादा उसको ये ख्याल बार बार आके उसको ये खुश कर रहा है कि वो वहाँ पे हॉस्टल में अपनी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करेगी, मज़ा करेगी। Then later on when her father tells her that she cannot leave home for study even this year because her mother is going to die soon, she becomes worried and her heart is filled with pity when her father says he needs her. और वो एकदम से सीरियस हो जाती है जब उसे पता चलता है, उसका दिल तरस से भर जाता है, रहम से अपने बाप के लिए, उस वक्त जब उसका बाप उसको बताता है कि उसको उसकी ज़रूरत है। शी स्टार्ट्स ऑब्जर्विंग एवरी मूव, एवरी एक्शन ऑफ हर मदर विद साइज, वो आहों से अपनी माँ के हर एक्शन को ऑब्जर्व करती है। वंस शी वीप्स बिटरली एट नाइट एंड हर मदर सूथ्स हर, एक रात तो वो बहुत ज़्यादा रोती है और उसकी माँ उसको कम्फर्ट करती है। देन शी बिहेव सेंसिबली लेस्ट शी मे कम टू नो अबाउट दिस bitter fact. It must be she here, okay? Then she behaves sensibly. फिर बहुत समझदार तरीके से वो act करती है Minta. Lest she may come to know, lest her mother may come to know, कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी माँ को पता चल जाए about this bitter fact, इस तल्ख हकीकत का। After her mother's death और अपनी माँ की मरने के बाद she is seen more mature, वो ज़्यादा समझदार नज़र आ रही है। responsible girl who takes up the responsibility of household chores, जो घरेलू जिम्मेदारियाँ संभाल लेती हैं, and accepts the fact, और इस हकीकत को भी कबूल करती हैं that life has to go on, कि ज़िंदगी तो आगे चलती रहती है, and she has to live it to the fullest, और उसने इसको भरपूर तरीके से गुजारना है। सो व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी एंड हाउ इज इट रिजॉल्व्ड? कॉन्फ्लिक्ट क्या है स्टोरी के अंदर? द कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी कम्स एट डिफरेंट स्टेजेस। वैसे मेरा ख्याल है कि ये मुख्तलिफ स्टेजेस पे हमारे सामने कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। फर्स्टली व्हेन जॉन हॉली इज कन्फ्यूज्ड हाउ टू टेक मिंटा इनटू कॉन्फिडेंस अबाउट हर मदर्स इलनेस। सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट तो जॉन हॉली का है जो कहता है कि कैसे मिंटा को कॉन्फिडेंस में लिया जाए कि उसकी मदर बीमार है और वो एंड टू रिजॉल्व इट, और इसको
इसको ख़त्म करने के लिए ही टेक्स हर टू द बीच, वो उसे साइले समंदर पे ले जाता है एंड टेल्स और उसे बता देता है। देन मिंटा बिकम्स कन्फ्यूज एंड वरीड हाउ टू लिव विद हर मदर नॉर्मली वैन शी नोज एट हार्ट दैट शी इज़ गोइंग टू डाई सून। फिर मिंटा बहुत कन्फ्यूज होती है, परेशान होती है कि कैसे वो नॉर्मली बिहेव करेगी जब वो जानती है दिल से कि उसकी मदर मरने वाली है। बट शी मैनेजेस टू कोप विद द सिचुएशन एंड ट्राइज टू बिहेव नॉर्मली। फिर वो इस मैनेज इस सिचुएशन से इसके साथ ढल जाती है और नॉर्मली बिहेव करने की कोशिश करती है। देन द कॉन्फ्लिक्ट दैट मैरी हॉली नेवर न्यू अबाउट हर डेथ। फिर ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा है कि मैरी हॉली जो है वो अपनी मौत के बारे में नहीं जानती अकॉर्डिंग टू हर डॉटर एंड हस्बैंड, क्योंकि डॉटर और हस्बैंड यही समझते हैं कि वो नहीं जानती। इट वॉज रिजॉल्व एट द एंड, ये फ़ौरन रिजॉल्व हो जाता है, ये मसला हल हो जाता है आखिर में। व्हेन मिंटा सीज क्रिसमस प्रेजेंट्स रैप्ड ब्यूटीफुली विद नेम टैग्स बाय हर मदर विच मेक्स हर मोर ब्रेव टू एक्सेप्ट हर मदर्स डेथ मेंटली। फिर जब मिंटा जो है वो क्रिसमस के गिफ्ट्स देखती है इतनी खूबसूरती से पैक हुए हुए नेम टैग्स लगे हुए जो कि उसकी मदर की ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में उसने सबके नेम्स भी लिख के छोड़े हुए थे, फिर वो उसको पता चलता है मिंटा क्योंकि उसकी मदर ने अपनी मौत को मेंटली जहनी तौर पे कबूल कर लिया था। शी बिकम्स मोर रिस्पॉन्सिबल इन थिंग्स टू लिव लाइफ फुली। और फिर मिंटा भी बहुत जिम्मेदार बन जाती है और भरपूर तरीके से जिंदगी गुजारने का सोचती है। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर डज मिंटास फादर टेक हर टू डिस्कस हर मदर्स इलनेस। उसकी माँ की बीमारी को डिस्कस करने के लिए उसके फादर उसे कहाँ ले जाते हैं। मिंटास फादर टेक्स हर टू द बीच फॉर अ लिटल वाइल सेइंग दैट द टाइड इज लो एंड दे मे गेट अ फ्यू क्लैम्स। ये कह के कि आज लहर जो है वो कम है, लहर समंदर की सतह कम है और उन्हें सी फूड मिल सकता है। ऑल्दो मिंटा वॉन्ट्स टू टेक हर फ्रेंड सैली विद हर बट हर फादर रिफ्यूजेज एज ही वॉन्ट्स टू बी अ लोन विद हिज डॉटर दिस टाइम। वो उस टाइम अपने डॉटर के साथ अकेले जाना चाहते थे। वाइल वॉकिंग ऑन द बीच अवे फ्रॉम द क्राउड ही टेल्स हर हार्ट ब्रेकिंग न्यूज ऑफ हर मदर्स इलनेस एंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव लॉन्गर। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच अप्रोच वुड यू हैव प्रेफर्ड, डिसेप्शन और ऑनेस्टी इफ यू हैव टू डील विद सिमिलर सर्कमस्टांसिस लाइक मिंटाज मदर। अगर आपके साथ मिंटा की मदर जैसी सिचुएशन हो तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या मिंटा की मदर की तरह रिएक्ट करेंगे। गिव रीजंस फॉर योर चॉइस। And what I think is that if I had to go through the same situation like Minta's mother की तरह की situation होगी, I would have preferred honesty. मैं honesty को ही prefer करूँगी। I would have told my daughter all about my illness. मैं अपनी बेटी को अपने मैं बता देती अपने तमाम illness के बारे में, बीमारी के बारे में, what could be the consequence और इसका result क्या होगा ये भी बता देती, so that my children were mentally ready to face the situation. ताकि मेरे बच्चे जो हैं वो ज़हनी तौर पर तैयार कर दूँ मैं उनको। I would have better guided them in all aspects how they had to behave and live life fully instead of mourning all the time. मैं उनको guide कर सकती थी इस तरह से, उनको honestly बता के कि उन्हें कैसे बिहेव करना है मेरे बाद, और उसके बाद instead of mourning मातम करने की बजाय उनको जिंदगी को भरपूर तरीके से गुजारना है, उन्हें आगे बढ़ना है। It would have left positive impact on the minds of the people around me. और यकीनन ये मेरा ये बिहेवियर जो है वो लोगों के और ये जो मेरे डियर वंस हैं, मेरे बच्चे हैं, फैमिली है, उन पर एक अच्छा इम्पैक्ट तासुर छोड़ती। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड विटामिन पिल्स बिकम द सिंबल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। विटामिन पिल्स जो थी वो एक जिम्मेदाराना या जिम्मेदार रवैये का निशान कैसे बन गई। मिंटाज मदर वाइल ऑन हर डेथ बेड टोल्ड मिंटा टू मेक श्योर दैट हर फादर हैड टेकन हर विटामिन पिल्स एज ही वॉज केयरलेस इन दैट मैटर। मिंटा की मदर मरते हुए भी मिंटा को ये कह रही थी कि ये याद रखे कि ये उसने ख्याल करना है कि उसके फादर ने अपने विटामिन पिल्स ले लिए हैं, क्योंकि वो इस मामले में बहुत केयरलेस हैं। इट शोज़ अ केयरिंग एंड रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड ऑफ हर मदर। ये उस टाइम भी बता रहा है कि ये उसकी मदर कितनी रिस्पॉन्सिबल थी, कितनी केयरिंग थी कि मरते हुए भी उसको ये मेडिसिन याद थी। एंड देन आफ्टर हर डेथ मिंटा टुक विटामिन पिल्स फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर पुट देम ऑन द विंडो सिल इन फ्रंट ऑफ हिम ऑफ हर। उसने सामने विंडो की जो सिल थी उस पर रखी ताकि उसे नजर आए आसानी से। शी वुड बी श्योर टू सी देम इन द मॉर्निंग। इट शोज दैट शी हैड डेवलप्ड द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड केयरिंग एटीट्यूड लाइक हर मदर। इसका मतलब है कि उसने भी जिम्मेदार रवैया अख्तियार कर लिया है और केयरिंग एटीट्यूड बहुत ही ख्याल करने वाला रवैया अपनी अम्मी की तरह। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज हाउ डिड मिंटा चेंज ओवर द कोर्स ऑफ द स्टोरी। मिंटा कैसे बदलती रहती है। लिमिट योर आंसर टू जस्ट 5 सेंटेंसेस, यानी उसका रवैया कैसे बदलता रहता है। मिंटा इन द बिगिनिंग वॉज जस्ट लाइक मैनी अदर टीन एज गर्ल्स हु आर केयर फ्री एंड वॉन्ट टू हैव फन इन हॉस्टल विद अदर फ्रेंड्स। दूसरी नौजवान लड़कियों की तरह थी जो हॉस्टल में फ्रेंड्स के साथ मजाक करना चाहती हैं, एंजॉय करना चाहती हैं। वैन शी केम टू नो अबाउट हर मदर्स इलनेस, लेकिन जब उसे माँ की बीमारी का पता चलता है, शी बिकेम सीरियस थिंकिंग ऑल द टाइम हाउ शी वुड बिहेव नॉर्मली विद मदर इन दिस सिचुएशन, बट सम हाउ शी मैनेज टू बिहेव सेंसिबली। लेकिन बहुत समझदारी से वो बिहेव करती है। देन इन द एंड शी वॉज सीन क्वाइट मेच्योर एक्सेप्टिंग द रियलिटी ऑफ डेथ।
फिर एंड पे वो बहुत समझदार नज़र आती है जब वो मौत की हकीकत को एक्सेप्ट कर समझती है एंड टेकिंग अप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाउस होल्ड चोर्स इमिजिएटली, फ़ौरन घर की जिम्मेदारियाँ संभाल लेती है। शी बिकेम रियलिस्टिक वैन शी टोल्ड हर फादर टू मेक प्रिपरेशन फॉर कमिंग क्रिसमस, और वो उस वक्त बहुत हकीकत पसंद लड़की नज़र आती है जब वो अपने फादर को कहती है कि आए क्रिसमस की तैयारियाँ शुरू कर दें। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई वाज द ब्लू चेयर सिग्निफिकेंट? ब्लू चेयर जो उसकी माँ की चेयर थी जिसपे एंड पे मिंटा जाके बैठ जाती है, वो क्यों अहम क्यों है? द ब्लू कलर इन लिटरेचर सिग्निफाइज पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड रिप्रेजेंट्स कामनेस, पीस एंड एक्सपेंसिवनेस। ब्लू कलर वैसे लिटरेचर में देखा जाए तो वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड को सिग्निफाई करता है, एक्सपेंसिवनेस वसी होने को सिग्निफाई करता है। हियर ब्लू चेयर बिलोंग टू मिंटाज मदर, यहाँ पे जो ब्लू चेयर थी वो मिंटा की मदर की थी, हु यूज टू सिट ऑन इट मोर ऑफन टू फील रिलैक्स। नाउ आफ्टर हर डेथ व्हेन मिंटा मेंटली एक्सेप्टेड दिस रियलिटी दैट हर मदर वॉज नो मोर विद हर, शी बिकेम रिस्पॉन्सिबल, शी सैट डाउन इन द ब्लू चेयर बाय द फायर लाइक हर मदर एज इफ इट बिलोंग टू हर। ऐसा फील होता था कि ये चेयर अब उसकी है, सिग्निफाइज ये हमें बताती है, इसकी अहमियत ये है दैट शी हैड डेवलप्ड अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नाउ ऑनवर्ड्स शी वुड टेक केयर ऑफ हर फादर एंड हाउस होल्ड चोर्स। शी रिमेंबर्ड हर मदर सेइंग दैट मिंटा वॉज जस्ट लाइक हर फ्रॉम इनसाइड। टू प्रूव दिस शी सैट इन द ब्लू चेयर टू शो पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ बाय अडॉप्टिंग मेच्योर एटीट्यूड। एंड क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन हाउ मिंटा नोज दैट हर मदर एक्सेप्टेड डेथ, वाई इज़ दैट नॉलेज कम्फर्टिंग टू हर। आप बताइए कि मिंटा कैसे जानती थी कि उसकी मदर ने डेथ को एक्सेप्ट किया था, कबूल कर लिया था, और ये सोच उसके लिए उसको क्यों सुकून दे रही थी। आफ्टर हर मदर्स डेथ मिंटा सॉ डजन बॉक्सेस टाइड विद ब्राइट रेड रिबन एंड गिफ्ट टैग्स रिटन आउट इन हर ओन हैंड राइटिंग। इट शोड दैट शी न्यू अबाउट हर डेथ एंड अरेंज द क्रिसमस प्रेजेंट्स लॉन्ग बिफोर द क्रिसमस फॉर हर डियर वंस। वो अब उसका मतलब था कि उसकी माँ ने भी अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया था, इसीलिए उसने पहले से तैयारियाँ कर रखी थी, क्रिसमस की तैयारियाँ उसने बहुत पहले करके रख ली थी। मिंटा केम टू नो दैट हर मदर नॉट ओनली न्यू अबाउट हर इलनेस एंड डेथ, मिंटा जानती थी कि उसकी मदर ना सिर्फ अपनी बीमारी और मौत के बारे में जानती है बट एक्सेप्टेड इट हैप्पीली, उसकी माँ ने खुशी से इसको कबूल भी किया था। शी यूटिलाइज्ड ईच एंड एवरी मोमेंट एंड टुक केयर ऑफ एवरीथिंग, उसने हर लम्हे को का इस्तेमाल भरपूर तरीके से किया जिंदगी के, और उसने हर चीज़ का ख्याल रखा। इट कम्फर्टेड हर अलॉट, इसने उसे बहुत सुकून दिया बिकॉज शी थॉट इट मस्ट नॉट बी पेनफुल हर मदर एंड हर मदर वॉज अ रियलिस्टिक वमन। फिर उसको ये सोच के बहुत सुकून हुआ कि उसकी माँ के लिए मौत की खबर, मौत का जानना तकलीफ दे नहीं था, और उसकी मदर जो थी वो एक हकीकत पसंद औरत थी। शी लिव्ड लाइफ टू द फुलेस्ट टिल द एंड, उसने आखिर वक्त तक अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से गुजारा एंड इट वॉज अ लेसन फॉर मिंटा, ये मिंटा के लिए एक सबक भी था टू मूव ऑन, कि वो आगे बढ़े एंड बी अ रिस्पॉन्सिबल गर्ल, और एक जिम्मेदार लड़की बन जाए। Coming to the summary of the chapter from Mother with Love deals with the universal theme that death is imminent, मौत बरहक है। Although we never want to part with our dear ones in life, हम नहीं चाहते अपने close लोगों से, अपने प्यारे लोगों से दूर जाना, but the time comes when death takes them away and we have to suffer the pain of separation। वक्त ज़रूर आता है जब मौत उनको ले जाती है और हमें इस जुदाई का दुख बर्दाश्त करना पड़ता है। This is a natural human trait, ये फितरी इंसानी अमल है, but at the same time we have to live tomorrow and the next day and prove ourselves to be loyal। हमें चाहिए उनके बाद हम जिंदगी गुजारें भरपूर तरीके से, और उन लोगों से जो हमारे डियर वन से उनसे वफादार रहें, उन्हीं की वैल्यूज को, उनकी लाइक्स डिसलाइक्स को अपनाएं। वी शेयर्ड विद अवर डियर वंस, जो कि हमने उनके साथ शेयर की थी उनकी जिंदगी में। वी मस्ट लिव ऑन बी फेथफुल टू एवरीथिंग दे मेंट फॉर अस, जो वो हमारे लिए चाहते थे हमें चाहिए उनके बाद भी हम उन चीज़ों को फॉलो करते रहें। मिंटा हॉली वॉन्ट्स टू गो टू कॉलेज एंड लिव देयर इन हॉस्टल टू हैव फन विद हर फ्रेंड्स। शी लुक्स फॉरवर्ड टू जॉइन दिस टर्म व्हेन हर फादर टेक्स हर ऑन द बीच एंड टेल्स हर अबाउट द सीरियस इलनेस ऑफ हर मदर। द मोर हार्ट ब्रेकिंग न्यूज दैट हर फादर गिव्स हर इज दैट हर मदर हैज़ अ वेरी शॉर्ट टाइम टू लिव। आपने वही स्टोरी दोबारा बतानी है कि मिंटा हॉली जो है वो अपने फादर के साथ बीच पे जाती है, वो चाहती है कि वो कॉलेज जाए, लेकिन उसके फादर उसे बीच पे ले जाते हैं, उसे एक हकीकत बता देते हैं कि उसकी मदर बहुत संजीदगी से बीमार है, और बहुत हार्ट ब्रेकिंग खबर ये देते हैं कि उसकी फादर जो है वो उसकी जो मदर है उसके पास बहुत कम टाइम है जिंदा रहने के लिए। इट शॉक्ड हर बट हर फादर फॉरबिड्स हर टू टेल इट टू हर मदर एंड दे बोथ हैव टू एक्ट नॉर्मली। ये उसे बहुत सदमा होता है लेकिन उसके फादर उसको मना करते हैं कि अपनी माँ को नहीं बताना, और उन दोनों ने इस सूरत में बहुत ही नॉर्मली बिहेव करना है। शी ऑब्जर्व्स हर मदर वेयरिंग गेली कर्चीफ एंड कोट्स, उसने बहुत खूबसूरत रुमाल, वो अक्सर अपनी मदर को ऑब्जर्व करती है, फिर भी वो तो बहुत हेल्दी है, वो ब्राइट कलर के रुमाल कोट्स पहनती है, वो नेबरहुड चिल्ड्रन को बुला के उनकी कंपनी में एंजॉय करती है, वो बहुत यंग नज़र आती है।
आती है बहुत खुश, बहुत केयर फ्री. वेन शी इज़ अबाउट टू डाई, लेकिन जब वो मरने वाली है, शी स्टिल केयर्स अबाउट हर हस्बैंड एंड टेल्स हर डॉटर टू गिव विटामिन पिल्स टू हर फादर रेगुलरली. फिर भी उसको उसके हस्बैंड का ख्याल और अपनी बेटी को ये जिम्मेदारी सौंपती है कि वो बाकायदगी से अपने बाप को विटामिन की गोलियाँ ज़रूर दें. फाइनली वेन आफ्टर हर मदर्स डेथ, माँ के मरने के बाद वन डे हर फादर कॉल्स हर टू गो थ्रू हर मदर्स क्लोथ्स बिफोर दे आर टेकन टू द चर्च बाजार. शी गोज़ इन टू हर मदर्स रूम ऑल अलोन एंड गोज थ्रू हर थिंग्स नीटली अरेंज्ड. वो अपनी माँ की सारी चीज़ें देखती है जो उसने बहुत नीटली रखी हुई हैं, अपनी जगह पर हर चीज़ अरेंज हुई हुई है. देन शी हैपन्स टू सी टू पैक्स ऑफ लगेज इन विच टू मिंटा सरप्राइज. दो लगेज उसको नज़र आते जो बहुत भारी होते हैं और मिंटा की हैरान के वजह मिंटा हैरान हो जाती कि देर आर डजन बॉक्सेस टाइड विद रेड रिबन एंड गिफ्ट टैग्स रिटन आउट इन हर मदर्स राइटिंग. दीज आर द क्रिसमस प्रेजेंट्स फॉर आवर डियर वंस फ्रॉम मैरी. शी पिक्स अप अनदर पैकेज एंड इट इज रिटन टू मिंटा फ्रॉम मदर विद लव. शी डिसाइड्स टू कीप ऑल हर मदर्स थिंग्स विद हर. फिर अब वो चाहती है कि वो अपनी माँ की सारी चीज़ें अपने पास रखेगी. बट इट इनकरेजेज हर टू थिंक, लेकिन ये सोच के उसको हौसला होता है दैट हर मदर न्यू दैट शी वॉज गोइंग टू डाई. उसकी माँ जानती थी कि वो मरने वाली है. दैट्स वाई शी हैड मेड ऑल क्रिसमस प्रिपरेशन बिफोर हैंड. इस साल इसलिए उसने बहुत जल्द ही क्रिसमस की तैयारियाँ शुरू कर दी. शी कम्स टू नो दैट हर मदर वॉज अ ब्रेव लेडी. वो जानती है कि उसकी माँ एक बहादुर औरत थी. वो एक्सेप्टेड डेथ एंड लिव्ड अ हैप्पी लाइफ टिल दी एंड. आखिर तक उसने मौत को एक्सेप्ट किया और आखिरी लम्हे तक उसने अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से गुजारा. इट मींस लाइफ जस्ट गोज ऑन. इसका मतलब है कि जिंदगी आगे चलती रहती है. वी शुड एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ. हमें जिंदगी का हर लम्हा लुत्फानंदोज उससे होना चाहिए विद आवर डियर वंस, अपने अच्छे अपने प्यारे लोगों के साथ. वी शुड फुलफिल आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिफोर डेथ टेक्स अस अवे. हमें तमाम जिम्मेदारियों को निभाना है इससे पहले कि मौत हमें दूर ले जाए इस दुनिया से. हमें चाहिए कि हम अपनी जिम्मेदारियों को भरपूर तरीके से अदा करें. हियर इट इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन वर्ड्स मीनिंग्स क्वेश्चन आंसर्स एंड समरी. आई होप यू हैव फाउंड इट वेरी यूजफुल. प्लीज़ राइट योर कमेंट्स. अपने कमेंट्स में लिखिएगा कि आपको ये कैसा लगा. लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई थैंक यू ऑल.